भूतले स्वयं रूपा ग्रामेयम् ददाति स्वपदांतरम्। वंदेहम श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरुम् वैष्णवांश श्रीरूपम् सागरजातम् सगण रघुनाथान्वितम् स्तम सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजनासहितम् कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखांश। हे कृष्णा करुणा सिंधौ दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है सभी भक्तों का चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 71 171 से हम आज की कथा की शुरुआत करते हैं। कल हमने इसकी चर्चा की थी पर फिर भी शुरुआत करने के लिए हम फिर से 171 श्लोक से शुरुआत करते हैं। तो ये प्रसंग ऐसा है कि जब गुंडीचा मंदिर का मार्जन होने के पश्चात और नरसिंहदेव मंदिर का मार्जन होने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु और सभी भक्तों के संग में बैठकर एक साथ प्रसाद ले रहे हैं और महाप्रभु ने अपने लिखे वाले एक सिंपल सब्जी की मांग की, जिसका नाम तलापड़ा व्यंजन, और कहा कि जितने भी बचे हुए जो नाना प्रकार के मिष्ठान या और रुचकारक जितने भोग हैं प्रसाद है उसे ही भक्तों में बांट दिया जाए। तो जब महाप्रभु प्रसाद ले रहे थे तो बीच में जगदानंद ने लाकर महाप्रभु के प्लेट में कुछ मीठा लाकर रख दिया और जैसे ही उन्होंने महाप्रभु के प्लेट में कुछ फर्स्ट क्लास प्रसाद धर दिया तब महाप्रभु को बाहर से बड़ा क्रोध आया पर अंदर ही अंदर सोच रहे अब क्या करना। तो महाप्रभु ने क्या किया, पुनरअपि से द्रव्य करे निरक्षण तारे भय प्रभु कुछ करे ना भक्षण। क्योंकि अब चूंकि अब डालने वाले व्यक्ति जगदानंद थे तब महाप्रभु ने देखा अब क्या करे, गुस्सा तो आ रहा था, गुस्सा तो महाप्रभु को जगदानंद पर आ रहा था पर जो है सामने वाले व्यक्ति कौन है ये देखकर भगवान ने अपने गुस्से को जो है कम कर दिया है ना। तो इसीलिए इमोशंस, यहाँ पर हमें ये शिक्षा मिलती है, इमोशंस हैव टू बी एक्सप्रेस्ड बट इन अकॉर्डेंस विद टाइम प्लेस एंड सरकमस्टेंस, है ना, समय के हिसाब से और यहाँ पर सामने वाला व्यक्ति कौन है परिस्थितियों के हिसाब से, परिस्थितियों में आता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है उसके हिसाब से फिर हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे इमोशन हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए, है ना। तो जब यदि दूसरा कोई व्यक्ति अगर महाप्रभु के प्लेट में कुछ उनके इच्छा के विरुद्ध यदि कुछ सर्व किया होता तो शायद महाप्रभु से डांटते और फटकारते भी, पर यहाँ पर चूंकि सर्विंग करने वाले व्यक्ति थे जगदानंद पंडित, अब महाप्रभु उन्हें कुछ नहीं कह सकते, महाप्रभु ये नहीं कह सकते कि निकाल दो। क्यों, पुनरअपि से द्रव्य करे निरीक्षण। तो महाप्रभु क्या किया, उनको गुस्सा तो आ ही रहा था, है ना, महाप्रभु को गुस्सा तो आ ही रहा था पर उन्होंने केवल उस गुस्से को पी गए और साथ साथ उस प्रसाद को देख गए। पुनरअपि से द्रव्य करे निरीक्षण तारा भय प्रभु की छो करे ना भक्षण। पर महाप्रभु को जगदान पंडित से बहुत भय लगता था इसीलिए उन्होंने उस प्रसाद को देखा
और कुछ खा लिए, और प्रसाद के साथ साथ अपने क्रोध को भी उन्होंने खा लिया। क्यों? अब प्रश्न उठता है कि दूसरा कोई व्यक्ति होता तो महाप्रभु ने डांटते फटकाते या शायद कुछ कहते, पर जगदानंद, पर जगदानंद के कंडीशन विषय में जब जगदानंद ने भगवान के प्लेट में वो स्वीट डाल दिया तब महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। क्या किया? केवल देखे, तारा भय प्रभु की छू करे ना भक्षण। क्या किया महाप्रभु ने? शिव प्रसाद को देखा और खा लिया। क्यों? तारे भय, महाप्रभु को जो है जगदान पंडित का भय लगता था। अब भय किस लिए? ना खाई ले जगदानंद करीबे उपवास, तार आगे की चुखाए माने यही त्रास। क्योंकि यदि महाप्रभु नहीं खाते जगदान द्वारा परोसे गए प्रसाद को, यदि महाप्रभु नहीं पाते, उसे स्वीकार नहीं करते, क्या होता? तो चैतन्य महाप्रभु क्रोध करने के बजाय जगदान पंडित उन पर क्रोध करते, और कैसे प्रकट करते अपने क्रोध को? वो उपवास करते थे। ना खाई ले जगदानंद करे करीबे उपवास, अगर मैं नहीं खाऊं तो जगदान पंडित क्या करेंगे? उपवास करेंगे। तार आगे की चुखाए माने यही त्रास, है ना। तो इसीलिए चूंकि वो उपवास करेंगे इसीलिए महाप्रभु उसमें से कुछ खा लिया। तो इसीलिए जैसे मैंने कहा कि सामने वाले व्यक्ति को देखना चाहिए कि व्यक्ति कौन है, उस प्रकार से हम अपने भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वी कैन नॉट, हम हर व्यक्ति के लिए एक ही रूल लागू नहीं कर सकते, हमारा व्यवहार हर व्यक्ति के साथ एक नहीं हो सकता। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, वी हैव टू अप्रिशिएट एंड वी हैव टू वैल्यू द फीलिंग्स ऑफ द अपोजिट पार्टी ऑल्सो। यहाँ पर महाप्रभु जो है जगदान पंडित के फीलिंग्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसीलिए वो जो है उनको डांटने में फटकारने में उनसे डर के मारे उन्होंने प्रसाद को जो है पा लिया। और फिर स्वरूप गोसाई भालमिष्ट प्रसाद लाइया प्रभु के निवेदन करी आगे दंडाइया। तो उस समय स्वरूप दामोदर ने क्या किया? एक मीठा पदार्थ लेकर, एक स्वीट, कोई तो सर्व उत्तम मिठाई को लेकर महाप्रभु के सामने खड़े हो गए उनको सर्विंग करने के लिए। तो शायद देखा होगा कि जब जगदान ने डाला, जब जगदान ने परोसा तब महाप्रभु खा लिए, तब मैं डालूंगा तो क्यों नहीं खाएंगे, है ना। तो इसलिए सुरदामोदर गोस्वामी ने एक पूरा सबसे एक्सेलेंट स्वीट लेकर महाप्रभु के सामने उनको परोसने के लिए खड़े हो गए। बोली आगे की छू करे समर्पण। हाँ, उस पहले क्या कहा? हे महाप्रसाद अल्प करह आस्वादन। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? हे महाप्रसाद अल्प करह आस्वादन, थोड़ा सा इसमें से प्रसाद आप आस्वादन कीजिए। यदि महाप्रभु ये कहे नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे क्या लापड़ा व्यंजन दो, मैं लापड़ा व्यंजन के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो सुरदाम कह रहे हैं ठीक है आपको जो चाहिए हम देंगे, पर ये भी थोड़ा आस्वादन कर लो। नहीं, अरे देखिए तो, देखा जगन्नाथ कैसे करिया छे भोजन, बोले देखिए आप खा के देखिए फिर आपको पता चलेगा कि जगन्नाथ जी ने किस प्रकार से इस मीठे इस मिष्ठान का आस्वादन किया, किस प्रकार से जगन्नाथ जी ने इस मिष्ठान को उन्होंने पाया है, स्वीकार किया है, इसीलिए आप जो है थोड़ा सा पा लीजिए। एता बोली आगे की छू करे समर्पण।
तारे स्नेह प्रभु की छु करे न भोजन एंड तब सरुदा गोस्वामी ने जो है उनके पेट में थोड़ा स्वीट डाल दिया और उनके स्नेह के चलते सरुदा गोस्वामी को महाप्रभु इतना स्नेह था कि उस स्नेह के चलते जो है भगवान ने थोड़ा मिठाई खा ली, जो भगवान खाते नहीं थे पर स्नेह के चलते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव लव फॉर कृष्णा, यदि भगवान के प्रति स्नेह है तो भगवान तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, जो उन्हें पसंद हो पसंद नहीं हो सब कुछ करेंगे यदि स्नेह हो तो। इसीलिए पत्रम पुष्पम फलम तो एम यो में भक्त्या प्रयश्चित है, पत्रम पुष्पम फलम तो एम जो है ऐसे नहीं कि मैं ऐसे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, यदि प्रेम और भक्ति से अर्पण किया जाए तब एक्सेप्ट करूंगा कहते कहते, अगर प्रेम और भक्ति तो भगवान वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पत्रम पुष्पम फलम तो एम भी एक्सेप्ट जो है नहीं करेंगे। इसीलिए एता बोली आगे किछु करे समर्पण तार स्नेह प्रभु की छु करे न भोजन ए मत दुई जन करे बार बार विचित्र ए दुई भक्तेर स्नेह व्यवहार। तो इस प्रकार से जो है जगदान पंडित और स्वरूप दामोदर गोस्वामी बार बार आकर भगवान को सर्विंग कर रहे थे और इतने स्नेह भाव से परोस रहे थे कि ये बहुत बड़ा विचित्र व्यवहार था, है कि नहीं। अब सार्वभौम में प्रभु वसे ने छाने वसन आछे न वाम वापासे दुई भक्ते रस ने देखी सार्वभौम हासे। तो जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो भगवान के बगल में ही बैठे थे, कहां पर, वामे पाशे, वामे यानी क्या, लेफ्ट साइड, वामे गदाधर, वामे गदाधर, वामे लेफ्ट साइड में, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है भगवान के लेफ्ट साइड में बैठे थे और जब उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी और जगदानंद के इस व्यवहार को देखा तो किस प्रकार से उन लोग थोड़ा थोड़ा कहकर डाल रहे थे, आने नहीं तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है आप खाइए टेस्ट करिए आपको पता चलेगा जगन्नाथ जी के सिखा रहे, ये सब कहते हुए जो है वो डाले जा रहे थे। और इसे देखकर महाप्रभु सॉरी सौरभ भट्टाचार्य जो है बड़े हंसने लगे। सार्वभौम दयाने प्रभु प्रसाद उत्तम स्नेह करी बार बार करे भोजन। इस प्रकार से सार्वभौम दयाने प्रभु प्रसाद उत्तम, इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु भी चाहते थे कि सार्वभौम भट्टाचार्य को उत्तम भोजन प्राप्त हो, इसीलिए स्नेह के चलते सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति जो उनको स्नेह था उस स्नेह के चलते उन्होंने क्या किया, महाप्रभु ने जगदान को और स्वरूपदान को उसमें कहा उनके पेट में डालो, ठीक है, सार्वभौम भट्टाचार्य के पेट में बोले उनके पेट में डालो, उनके पेट में डालो बार बार, है ना। इसीलिए गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद आनी सार्वभौम में दिया कहे समुद्र वाणी। तब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने बहुत उत्तम बेस्ट महाप्रसाद लेके आए और उनको दे दिया और उनसे क्या कहने लगे, कहां भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार कहां ए परमानंद करह विचार, है ना। तो कहते हैं कहां वो सार्वभौम भट्टाचार्य थे पहले, कैसे था उनका व्यवहार, बड़ा जड़ था, उनका व्यवहार बड़ा जड़ था और अब देखिए उनका व्यवहार कैसा हुआ है, कहा ए परमानंद करह विचार। आप लोग विचार करिए उस समय उनका व्यवहार बड़ा जड़ था और अब उनका व्यवहार देखो बड़े प्रेम में आनंद में है, परमानंद, हाँ, कहा ए परमानंद करह विचार, बोले ये परमान को देखो इस पर, तो इसे जस्ट कंसिडर हाउ एट प्रेजेंट इज एंजॉयिंग द ट्रांसेंडेंट ब्लिस। जब केवल विचार करिए कि अब कैसे वो परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी अब प्रपण लिखते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य पहले कौन थे, स्मार्त ब्राह्मण थे, यानी वो व्यक्ति जो वेदों में दिए गए सारे नियमों का पालन करते थे,
कठोर तरीके से पालन करते थे. और ऑन द मंडेन प्लेटफॉर्म वन कैन नॉट बिलीव दैट प्रसादम इज ट्रांसेंडेंटल, दैट गोविंदा इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड दैट वैष्णव इज लिबरेटेड पर्सन. जो व्यक्ति भौतिक स्तर पर होता है वो कभी ये समझ नहीं पाता कि प्रसाद जो है दिव्य है. वो ये सिर्फ विश्वास ही नहीं होता कि प्रसाद जो है दिव्य है. और गोविंदा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वैष्णव जो हमेशा मुक्त होते मुक्त रहते हैं, मुक्तात्माएं हैं. दीज ट्रांसेंडेंटल कंसिडरेशंस आर आउट ऑफ ऑर्डिनरी वैदिक स्कॉलर्स ज्यूरिडिक्शन. जो साधारण वेदों के वेद पारंगत होते हैं ये उनके समझ के बाहर है. और उनका ये भी द सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ वेदांत फिलोसफी कंसीडर द एब्सोल्यूट ट्रुथ टू बी इंपर्सनल. ये जो वेद वेद के तत्वों को मानने वाले जो लोग हैं वो क्या समझते हैं कि भगवान निराकार है. दे ऑल्सो बिलीव दैट अ पर्सन बॉर्न द पर्टिकुलर कास्ट कैन नॉट चेंज कास्ट अंटिल ही डाइज एंड टेक्स रीबर्थ. तो इस मात ब्राह्मणों का ये और एक मानना है कि जब तक कोई व्यक्ति सबसे पहले तो जो व्यक्ति जो कुल में जन्म लेता है वो उसी कुल का रह जाता है जीवन भर. यदि उसे कुल बदलना हो, उसकी जात बदलनी हो, तो केवल मृत्यु के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, मरणोपरांत ही, है ना. तो ये उनका मानना होता है. एंड स्मार्ट ब्राह्मण ऑल्सो रिजेक्ट द फैक्ट दैट महाप्रसाद इज ट्रांसेंडेंटल एंड मटेरियल अनकंटामिनेटेड. यही मानना होता है कि प्रसाद दिव्य नहीं है और भौतिक से भौतिक स्थाई पर जो है देखा जाए तो दूषित होता है. तो ओरिजिनली सर्वम भट्टाचार्य सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ वैदिक प्रिंसिपल्स. इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं बीइंग कन्वर्टेड, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और परिवर्तित होने के पश्चात सर्वम भट्टाचार्य ने क्या किया, प्रसाद ले लिया विद द वैष्णवास, वैष्णव के संग में बैठकर वो प्रसाद ले रहे थे. यहाँ तक कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बगल में रहकर उनके करीब बैठकर ही प्रसाद ले रहे थे. मतलब जो लोग जिस व्यक्ति को प्रसाद पर विश्वास ही नहीं था कि प्रसाद जो है दिव्य है, वही व्यक्ति आज भगवान के बगल में रहकर प्रसाद ग्रहण कर रहा है. तब सारम भट्टाचार्य उनसे कहते हैं सार्वभौम मक्का है यामी तार्किक का कुबुद्धि. मैं कौन था, मैं तार्किक था और कुबुद्धि यानी क्या कम बुद्धि वाला. I was a less intelligent logician. तुम्हारा प्रसाद है मोरा यही संपत्त सिद्धि. पर केवल आप कृपा से जो है मुझे ये ऐश्वर्य, ये मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है. मुझे ये ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्त हो चुके हैं. महाप्रभु बिना के न केह नाई दया मैं काके रगरुड़ करे ऐछे को न होए. बोलते हैं महाप्रभु के बिना, इच्छा के बिना, महाप्रभु बिना के न केह नाई दयामय, महाप्रभु के बिना कोई भी दयामय नहीं है. काके रगरुड़ करे ऐछे को न होए. कौवे को गरुड़ कौन बना सकता है, कोई भी नहीं. कौवे को गरुड़ बनाने की शक्ति किसी में भी नहीं है. तार्की का श्रीगल संगे भेव भेव करी. मैं कैसे था, तार्की का श्रीगल संगे भेव भेव करी से मुखे एबे सदा कहे कृष्णा हरी. मैं तार्किकों का संग करके, जो मायावादी लोग थे, तार्किक लोग थे, उनका संग करके मैंने जीवन भर क्या किया, केवल एक सियार की तरह, सियार यानी फॉक्स, एक सियार की तरह मैंने क्या किया, केवल भेव भेव करके चिल्लाया. श्रीगाल जो रात भर भेव भेव करके चिल्लाता है, पर अब देखो आपकी कृपा से और महाप्रभु कृपा से ही मुख है ए बेसदा कहे हरि हरि कृष्ण हरि. और वही मुख से जो पहले केवल भेव 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 करके चिल्लाता था ताकि वो संग के चलते, पर अब भक्तों के संग के चलते क्या हुआ है, मेरे मुख से कृष्णा कही कृष्णा हरि, वही मुख से अब कृष्ण हरि निकल रहा है. कहाँ बहिर्मुख तार्तिक शिष्य गण संगे कहाँ ए ही संग शुद्ध समुद्र तरंगे.
कहते थे मैं पहले तो ये जो तर्क के शिष्य लोग हैं, तार्किक शिष्य, उनके संग में रहा करता था। सभी के सभी जो है नास्तिक लोग थे। कहा बहिर्मुख तार्किक शिष्य गण संगे, एक तो पहले तार्किक थे, ऊपर से सब बहिर्मुख थे, ऑल नॉन डिवोटीज। पर अब मेरी अवस्था क्या है, कहा ए संग शुद्ध समुद्र तरंगे। पर अब मैं जो है समुद्र के तरंगों में, जो भक्तों का संघ है वो समुद्र के तरंग है, और उन तरंगों में मैं विहार कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या कहा, ये केवल आपकी कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जिसके चलते ये भयो भयो करने वाला तार्किक भी अब कहे कृष्ण हरि, मुझसे कृष्ण हरि कह रहा है। और ये बहिर्मुख तार्किक, बहिर्मुख तार्किकों के संघ संघ में मैं था, और अब मैं वैष्णव के संघ में, जो कि समुद्र में आए हुए वेव्स की तरह है, लहरों की तरह, उनमें मैं आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत बड़ा परपोट देते हैं। तो कहते हैं बहिर्मुख व्यक्ति कौन है, प्रभुपाद सबसे पहले मान कहते हैं पूज बहिर्मुख। तो बहिर्मुख यानी वो व्यक्ति जो निरंतर भौतिक भोग में, भौतिक भोग को का आस्वादन करने में लगा हुआ है निरंतर, दैट इज बहिर्मुख। वन इज ऑलवेज बिजी टेस्टिंग मेटल एंजॉयमेंट, भौतिक सुख का निरंतर जो आस्वादन करता है उसे कहते हैं बहिर्मुख। और ऐसे व्यक्ति अपने आप को क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं, सच पर्सन पोजेस हिमसेल्फ एज एन एंजॉयर ऑफ द एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, भगवान की माया शक्ति को भोग करने वाला मैं हूं, यह अपने आप को वो कहता है। पर इसका नतीजा क्या होता है, चूंकि वो भगवान के बहिरंग शक्ति से आकर्षित है, भगवान से, भगवान के बहिरंग शक्ति से आकर्षित होने के चलते वो व्यक्ति अपने भगवान के उस गुह्य रसमय संबंध को हमेशा भूल जाता है, कि भगवान के उसके बीच में संबंध है, उस संबंध को भूल जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कभी कृष्ण भावनामृत होना पसंद नहीं है। तो ये बहिर्मुख का अर्थ है। तो बहिर्मुख का अर्थ क्या है, सबसे पहले उस बिजी इंजॉयिंग मटेरियल एंजॉयमेंट है ना, और he always poses himself as an enjoyer of external energy of the Lord, and being attracted by that, he never forgets, sorry, he always forgets his intimate relationship with Krishna. भगवान के साथ उसका संबंध है, उसे वो भूल जाता है। तीन पॉइंट है बहिर्मुखों का। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं हिरण्यकश्यप के बारे में, हिरण्यकश्यप कैसे थे, इसी थे, वो सोचते थे कि मैं, मेरा जीवन जो है केवल सुख भोगने के लिए है, दूसरा कि मैंने माया को कंट्रोल किया है, और इसके चलते क्या होता है, वो कभी भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाते। मतेर्न कृष्णे परतो सतो वा मितो अभिपेत्य गृहावृतानां अदांत गोभीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वनानां नते दुस्वार्गतिं हि विष्णु दुराशयाये बैरतमानिया अंधानितांधैर उपगीयमानास तेपि शतंत्रयाम पुरुधाम निबद्ध। तो ये दो श्लोक जो है भौतिकवादी व्यक्ति कैसे होते हैं उनके बारे में बतला रहे। तो मटीरियली वर ओवरली अट्रैक्टेड टू द मटेरियल बॉडी, मटेरियल वर्ल्ड एंड मटेरियल एंजॉयमेंट। तो भौतिकवादी व्यक्ति कौन है, जो भौतिक शरीर, भौतिक सृष्टि और भौतिक सुख से आकर्षित होता है, वो भौतिकवादी व्यक्ति होता है। भावनामृत नहीं हो सकते, अपने आप से या दूसरे किसी के मदद से भी वो कभी नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि ऐसे लोग कभी अपने जीवन के मूल्य को जानते नहीं है, कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, कि उसका उद्देश्य ये है कि वो इस भौतिक संसार से बाहर निकले। पर ये लोग जो है भौतिकवादी लोग क्या करते हैं,
ये हमेशा अंधे ही बना रहना चाहते हैं. दे ऑलवेज रिमेन ब्लाइंड बिकॉज देर ऑलवेज गाइडेड बाई ब्लाइंड लीडर्स. वो खुद अंधे हैं और उनका मार्गदर्शन कौन करता है? हमेशा अंधे लोग उनका मार्गदर्शन करते हैं. वो ये नहीं जान पाते, ये सोचते हैं भौतिकवादी व्यक्ति कि बस हम जो चाहिए जब चाहिए कुछ भी कर सकते हैं, और वो भूल जाते हैं कि दे आर कंट्रोल्ड, इट डज नॉट नो दैट दे आर रिजिडली कंट्रोल्ड बाय द स्ट्रिंजेंट लॉज ऑफ नेचर. और ये पता नहीं चलता कि प्रकृति के तीन गुण ने कैसे बांध कर रख रहे हैं, जान नहीं पाते. और वो ये भी नहीं जान पाते कि कैसे मृत्यु के पश्चात आत्मा जो है शरीर को बदलता है, दूसरे एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, ये भी वो समझ नहीं पाते, है ना. तो इसीलिए मटेरियलिस्ट सिंपली थिंक, सिंपली बिलीव देयर इम्परफेक्ट सेंसेस एंड नॉट टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स. उन्हें अपने असंपूर्ण इंद्रियों पर ही विश्वास होता है, और इसीलिए वेदों में जो दिए गए हैं उनका वो निरूपण नहीं करते. शास्त्र चक्षु का अर्थ क्या है? शास्त्र चक्षु का अर्थ है हर चीज को हम शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, है ना. तो ये पूरा बहिर्मुख के बारे में प्रभुपाद जी कह रहे कि बहिर्मुख व्यक्ति कौन है. अब जब सारमोचार्य ने यह कहा, अरे मैं तो केवल पहले क्या था, तार्किक था और मैं भ्यू भ्यू करता था, पर अब जो है सही मुख ए सदा कहे कृष्ण हरि, और इसी मुख से जो है मैं कृष्ण कह रहा हूँ. अब तक तो मैं पहले तार्किक शिष्यों के साथ मैं रहा करता था, पर अब वैष्णव के संग में जो प्रेमानंद है उसके समुद्र में जो है मैं गोते खा रहा हूँ, है ना. तो ये सुनकर चेतन महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? प्रभु का है पूर्व सिद्ध कृष्ण तुम्हारा प्रीति, तोमा संगे आमा सबार होइला कृष्णमती. कहते हैं हे भट्टाचार्य, अभी नहीं, पूर्व सिद्ध कृष्ण तुम तुम्हारा प्रीति, अभी से नहीं, पिछले जन्मों से भी आप कृष्ण भावनामृत रह चुके हैं, इसीलिए दस यू लव कृष्ण सो मच, इसीलिए आप कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, और आपके संग में रहने के चलते, आपके संग में रहने की वजह से हम में भी कुछ कृष्ण भावनामृत आ गई है, ये सब आप कृपा है. भक्त महिमा बढ़ाई थे भक्त सुख दीते, महाप्रभु बिना अन्य नाही त्रिजगते. कहते हैं इस पूरे तीन लोकों में, पूरे तीन लोकों में सेव फॉर चैतन्य महाप्रभु के अलावा, इस पूरे संसार में पूरे तीन लोकों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है चैतन्य महाप्रभु के अलावा जो अपने भक्तों की यश को गाते हुए हो, और अपने भक्तों की यश की गाथा गाते हो, और उन्हें सबसे बड़ा आनंद देते हो. महाप्रभु बिना अन्य नाही त्रिजगते, भक्त महिमा बढ़ाई थे भक्त सुख देते. तो भक्तों की महिमा को बढ़ाना और भक्तों को सुख देना, ये सर्वमठाचार्य कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के अलावा ये कार्य और कोई नहीं कर सकता. इस पूरे तीनों लोकों में ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता. तब है प्रभु प्रत्येक सदा भक्तेर नाम लय, पीठ पान दयाल प्रसाद करय. तुमने यहाँ पर क्या किया, महाप्रभु ने सभी प्रसाद जो था, खासकर मीठा प्रसाद केक और स्वीट राइस, कहा कि सब भक्तों को बांट दो, और हरेक के इंडिविजुअली नाम लेकर भगवान जो है बांट रहे थे. अद्वैत नित्यानंद वसे अच्छे न एक थाई, दुई जन एक क्रीड़ा कला लागी लता थाई. तो अद्वैताचार्य नित्य प्रभु ये दोनों एक जगह पर बैठ गए बगल बगल में, और जब प्रसाद चल रहा था ये फिर से इनकी जो हमेशा मजाक मस्ती चल रही थी, क्योंकि अद्वैताचार्य और नित्यानंद हमेशा मजाक मस्ती करते थे. प्रभुते प्रभुता सन्यासी उहार नाही अपचय, अन्न दोष सन्यासी
दुष्णा है ना। तो उससे पहले जब दोनों बगल बैठे थे तो अद्वैत आचार्य क्या कह रहे हैं, नित्यानंद को देखकर, हाय अद्वैत का है अवधू तेरा संगे एक पंक्ति। बोले मैं अद्वैत के घर में कहाँ बैठ गया, जिसे मैं जानता तक नहीं उसके संग में मुझे बैठना पड़ रहा है। भोजन कर लू ना जानी होई बे का भोजन कर लू ना जाने होई बे के गति कौन गति। अब ऐसे अवधूत के साथ बैठकर मैंने खा लिया, अब पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी गति क्या होगी, मजाक में कह रहा था बेचारे। तब प्रभुता सन्यासी उहार नाई अपचय अन्न दोषे सन्यासी दोष नाई होए। तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो तो एक सन्यासी है ना, इसीलिए उनमें वो दोष नहीं देखते, वो भेद नहीं करते और दोष नहीं देखते। पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अ सन्यासी इज नॉट अफेक्टेड बाय ईटिंग फ्रॉम एनीवेयर एंड एनीवेयर। दरअसल सन्यासी कहीं से भी कुछ भी खा सकते हैं, तो ये उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। सन्यासी इज नॉट अफेक्टेड बाय ईटिंग फूड फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर, वो जहां मन में वहां खा सकते हैं। पर मैं तो सन्यासी नहीं हूं ना, मैं तो ग्रस्त हूँ, ये अवधूत का बैठ गया, आप मेरा गति क्या होगा मुझे पता नहीं। अन्न दोषे रामस्करी यही शास्त्र प्रमाण अमिता ग्रस्त ब्राह्मण हमारा दोष स्थान है ना। बोलते अब तो मैं ब्राह्मण हूँ और ग्रस्त हूँ तो मुझे तो ये दोष लगेगा ही, क्योंकि मैं ठीक तरह से खाया नहीं, मेरे बगल में कौन था ऐसा व्यक्ति जिसके चरित्रकार में कुछ नहीं जानते। हाँ कौन है नित्यानंद, जो सन्यासी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, किसी के घर भी प्रसाद पाते हैं। नाना दोष मस्करी यही शास्त्र प्रमाण, सभी शास्त्रों का प्रमाण क्या है कि सन्यासी कहीं पर ही प्रसाद पा सकते हैं, पर गृहस्थ ब्राह्मण के लिए ये बड़ा अपराधजनक है, वो कहीं पर भी किसके भी घर कभी भी प्रसाद नहीं पा सकते, बड़ा सोच समझकर पूछताछ कर ही प्रसाद लेना है। जन्म कुल शिलाचर ना जानी यार तारा संग एक पंक्ति बड़ा अनाचार। सब मजाक मस्ती करते हैं, इतना प्रवार अद्वैत आचार्य जो है हमेशा मजाक मस्ती करते थे, तो इसी मजाक में कह रहे हैं कि जन्म कुल शिलाचार ना जानी यार, मैं इस व्यक्ति का जन्म नहीं जानता, इसका कुल नहीं जानता, इसका कोई आचार नहीं जानता, कुछ नहीं जानता इसके बारे में, पर फिर भी उनके संग में बैठकर मुझे प्रसाद लेना पड़ रहा है ना। अब मेरा क्या होगा मुझे पता नहीं। अब तो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद कहे तुम्हें अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांत बढ़े शुद्ध भक्ति कार्य। कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु ने इमीडिएटली कहा, हे अद्वैत आचार्य, ने क्या कहा, आप कौन है, तुम्हें अद्वैत आचार्य, यानी क्या मायावाद के आचार्य हो, मायावाद जिसे कहते हैं अद्वैत यानी मायावाद है ना। तो कहते हैं तुम्हें अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांत बढ़े शुद्ध भक्ति कार्य, और ये अद्वैत सिद्धांत जो है शुद्ध भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक है। जो अद्वैत का सार होता है, अद्वैत सिद्धांत का सार होता है, वो भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधक बनता है, और वे तुम कौन हो, अद्वैत के आचार्य हो, और तुम्हारा सिद्धांत संगे करे ये ही जाने एक वस्तु बिना से द्वितीय ना ही माने। कहते हैं तुम्हारा सिद्धांत संग करे ये ही जने कि आपके सिद्धांत का जो संग करता है कोई भी जन चाहे कोई भी हो, आपके सिद्धांत का यदि कोई संग करता है तो क्या होता है, एक वस्तु बिना से द्वितीय ना ही माने। वो कहता है सब कुछ एक ही है, वो ब्राह्मण सिद्धांत के अलावा कुछ और मानता ही नहीं सुनता ही नहीं। बोले ये मायावादियों का संग करने का प्रभाव है ना। तो प्रभुपाद जी इसके लिए बहुत बड़ा परपोट दे रहे हैं कि से समझाने के लिए कि अद्वैत सिद्धांत क्या है, सब समझा रहे हैं, तो हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और फिर हे न तो मा संगे मोरा एकत्र भोजन न जानी तुम्हारा संगे कैसे है मन। तो इतना कह रहे हैं अरे बापरे, आप जैसे मायावादी की संग में बैठ गया खाने के लिए, उसके बगल में बैठ गया हूं मैं,
अब पता नहीं मेरा मन किस प्रकार से पीड़ित होगा कि मायावती संग बैठा, मतलब मेरा संग जो मेरा मन जो है, आई डो नॉट नो हाउ माई माइंड विल बी अफेक्टेड इन दिस वे। अब मेरे मन की अवस्था क्या होगी, ना जाने तुम्हारा संग कैसे हो ए मन। अब मेरे मन का क्या होगा मुझे पता नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने मायावादी का संग किया है। अद्वैत आचार्य हो आप, अद्वैत सिद्धांत के आचार्य हो, तो प्रभुपाद संगत संजायते कामा। व्यक्ति इस समाज में जिस किसी संग करता है, जैसी संगत वैसी रंगत, तो वैसा ही बन जाता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं कि एज श्री नित्यानंद प्रभु एडमिट्स, अ डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुली व्हेन एसोसिएटिंग विद दोज हु आर नॉन डिवोटीज। ये बहुत बच के रहना चाहिए नास्तिक लोगों से, अभक्त लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए। तो जब महापुरुष से पूछा गया कि गृहस्थ जीवों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, गृहस्थ भक्तों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तब महापुरुष क्या कहा, असत संग छाड़ी ए वैष्णव आचार, स्त्री संग एक असाधु कृष्ण भक्त आर। क्या कह रहे हैं कि असत संग सागी ए वैष्णव आचार, जो भक्त जो होता है वो हमेशा असत का संग त्याग कर देता है, वो नास्तिकों के संग में नहीं रहता। फिर ए मत दुई जन करे बाला बाली, हाँ व्याज स्तुति करे दुहे एनो गाली गाली। व्याज स्तुति करे ए दे, व्याज स्तुति करे दुहे ये ना गाला गाला गाली। तो एक दूसरे को गाली भी दे रहे हैं उन लोग, कौन, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु। यही मत अद्वी जाने करा बाला बाली, इस प्रकार से जो एक दूसरे को दोनों जो प्रशंसा कर रहे थे या कोई आक्षेपण कर रहे थे, कभी कभी प्रशंसा करते कभी आक्षेपण कर रहे थे। दे आर बोथ टॉकिंग एंड प्रेजिंग वन अनदर, ऑल्दो देयर प्रेज अपीयर्ड नेगेटिव फॉर इट अपीयर्ड एज इफ दे एक्सचेंज्ड इल नेम्स। मानो एक दूसरे को गाली दे रहे हो, है ना, तो कभी कभी एक दूसरे को गाली भी दिया करते थे। तबे प्रभु सर्व वैष्णव नाम लय महाप्रसाद देना महा अमृत सिंच। तब जो है महाप्रभु ने हर एक वैष्णव को उनका नाम लेते हुए, हाँ उनका नाम लेते हुए सभी को जो है अपने हाथों से महाप्रसाद दिया। और उस समय अद्वैत आचार्य के बीच और नित्यानंद के बीच जो वाद विवाद चल रहा था, उससे जो है और भी प्रसाद खाने में मजा आ रहा था। तो एक और प्रसाद और दूसरी और इनके बीच में का अमृत, महाप्रसाद देना महा अमृत सिंचय। तबे प्रभु सर्व वैष्णव नाम लोय महाप्रसाद देना महा अमृत सिंचय। भोजन करी उठे सब हरि ध्वनि करी, तो भोजन खाने के बाद सबने उठकर क्या किया, हरी 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 सब चिल्लाने लगे। भोजन करे दुई, भोजन करे उठी सबे हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उठीला सब स्वर्ग मृत्य भारी। और इतने जोर से हरि नाम कर रहे थे कि पूरे स्वर्ग में और पूरे लोकों में, ऊपर के लोकों में निम्न नीचे के लोकों में सब जय पर जो है उनका शब्द पहुंच गए। इतने जोर से सोचो कितना जोर से कीर्तन कर रहे हैं, कितना जोर से हरी हरी बोल रहे हैं कि आकाश तक पहुंच गया, नीचे पाताल लोक तक पहुंच गया। तब ए महाप्रभु सब निज भक्त गणे सब आकार श्री हस्ते दिला माल्या चंदने। तब महाप्रभु अपने भक्तों को अपने हाथों से सभी गले में माला पहना दिया और सबके माथे पर जो है चंदन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अब तक बहुत सेवा की थी। तो ये सेवा का ये फल था कि महाप्रभु के हाथों से उनको पुष्पमाला मिल रही थी और महाप्रभु के हाथों से उनको चंदन का भेंट प्राप्त हो रहा था। और फिर तबे पर अवेश स्वरूपादि सत्य जन गृहेर भीतर कैला प्रसाद भोजन। इसके पश्चात सात लोग, तबे पूर्व अपेक्षा स्वरूपादि सत्य जन, सात जन
गृहेरा भीतर एक कैला प्रसादा भोजन। सभी लोग बाहर खा रहे थे, पर ये जो सर्वर लोग थे के साथ में, सात लोग कुल मिलाकर जो सर्विंग कर रहे थे, वो सभी लोग एक साथ बैठकर उन्होंने कमरे में प्रसाद प्राप्त किया। और फिर गोविंद ने जो है महाप्रभु खाने के बाद कुछ स्वीट्स बचे थे ना, पूरे नहीं खाए, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, सभी को बड़े ध्यान पूर्वक बांट दिया। और फिर उसमें से महाप्रभु ने पहले कहा था कि जो है आप लोग प्रसाद खाओ और बाद में कोई ना कोई जाकर हरिदास ठाकुर को भी प्रसाद दिया। तब गोविंद ने प्रसाद पैक करा के लिया। स्वतंत्र भक्तगण गोविंद पाश किचु मागी नीला ए प्रसाद न गोविंद आपने पाईला, है ना। तो गोविंद ने प्रसाद पाया और उसके पश्चात जो है सॉरी पहले ही हरिदास ठाकुर के लिए कुछ प्रसाद ले गए, और फिर उसके बाद ही भक्तगण गोविंद पाशे किचु मागी नीला, है ना, सही प्रसाद न गोविंद अपन ही पाईला। तो जो महाप्रसाद निकल कर रखा था गोविंद ने उसी महाप्रसाद को फिर पा लिया। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे ना नाल खेल दोया पखाल नाम कैला यही एक लीला। तो भगवान कौन है? स्वतंत्र है। कहते हैं स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं, क्यों? वही स्वतंत्र है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला दोया पखाल नाम कैला यही एक लीला। दोया पखाल यानी क्या? वॉशिंग एंड क्लीनिंग, धोया और पखाल, एक लीला उन्होंने उनकी सृष्टि कर दी। अब तक ये लीला नहीं थी, इससे पहले कोई भी जो है मंदिर का मार्जन नहीं करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत की, है ना। तो फिर आराधी न जगन्नाथेरा नेत्रोत्सव नाम महोत्सव होइला भक्तेर प्राण समान। और 15 इंच से जो जगन्नाथ जी का मंदिर बंद था, अनावसर हुआ, स्नान यात्रा हुई, तब से जो है मंदिर बंद हो जाता है। और फिर कब खुलता है? रथ यात्रा एक दिन पहले, वो दिन कहते हैं नेत्रोत्सव, वो दिन से नेत्रोत्सव कहते हैं। तो दूसरे दिन जब नेत्रोत्सव का उत्सव हुआ तो सारे भक्त मानो उनके शरीर में उनके प्राण उनके आत्मा जो है आ गई थी। और ये उत्सव जो था नेत्रोत्सव, यही भक्तों का प्राण था, यही भक्तों का आनंद था, इस उत्सव के लिए वो इंतजार करते थे। पक्ष दिन दुही लोक पक्ष दिन दुई लोक प्रभुर दर्शने दर्शन करी आलोक सुख पाइला मने। तो क्या है? पक्ष दिन दुखी लोक प्रभु अदर्शने, 15 दिन चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में नहीं रहा करते थे, वो कहाँ जाते थे? अलारनाथ। तो इसीलिए भक्तों को ना जगन्नाथ जी का दर्शन होता था ना चैतन्य महाप्रभु दर्शन होता था। पर यहाँ पर लिखे पक्ष दिन दुख लोक प्रभु अदर्शने, तो लोग जो है चैतन्य महाप्रभु दर्शन न होने के चलते वो भी बड़े दुखी हुआ करते थे। दर्शन करी लोक सुख पाईला माने, और सभी लोगों ने जब महाप्रभु दर्शन की तो बड़े खुश हुए। और फिर इस उत्सव नेत्रोत्सव को देखने के लिए महाप्रभु अपने सारे भक्तों को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। महाप्रभु सुखे लाए सब भक्तगण, महाप्रभु सुखे लाए सब भक्तगण, सब भक्त को बड़े आनंद में ले गए। जगन्नाथ दर्शन है करीला गमन, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए सभी लोग चल दिए। आगे काशीश्वर यार लोका निर्वारिया निवारिया पाछे गोविंद आए जल करंग अलहिया। करंग, करंग है क्या? मटका, जो सन्यासी जो मटका अपने पानी पीते हैं उसे कहते हैं करंग। तो आगे काशीश्वर जो आगे चल रहे थे वो भीड़ को साइड में करेंगे, महाप्रभु चल रहे थे, पर पीछे पीछे कौन चल रहे थे? गोविंद का जल जल पात्र और उसमें जल भरकर ले जा रहे थे।
प्रभु आगे पूरी भारति दुहारा गमन स्वरूप अद्वैत दुहेरा पार्श्वे द्विजन। और जब चैतन्य महाप्रभु मंदिर की ओर जा रहे थे तब परमानपुरी और भारती, ब्रह्मानंद भारती और परमानपुरी ये दोनों भी महाप्रभु के संग में ही चल रहे थे। उसके संग में चल रहे थे, महाप्रभु के आगे चल रहे थे कौन? परमानपुरी और ब्रह्मानंद भारती, ये दोनों चैतन्य महाप्रभु के आगे चल रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के संग में कौन कौन थे? एक और अद्वैत आचार्य, दूसरे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी। सोचिए क्या दृश्य रहेगा, महाप्रभु पूरे भक्तों के संग चल रहे थे, अद्वैत आचार्य इधर, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, बड़ा आनंद का सीन रहेगा। पाछे पाछे चली आबे भक्त गण उत्कंठ गेला सब जगन्नाथ भवन। और बड़े उत्साह के साथ, उत्कंठ बड़े उत्कंठ के साथ जो है सभी लोग जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किए जगन्नाथ जी के दर्शन देखने के लिए। दर्शन लोभे करी मर्यादा लांगन भोग मंडपे आए करे श्रीमुख दर्शन। और दर्शन के लोग क्या कर रहे थे? वो सारे नियमों का खंडन कर रहे थे। तो दर्शन में कोई नियम होता है और कुछ पालने कर रहे थे, बस अपने हिसाब से दर्शन रहे थे। और क्या देखा उन्होंने? भोग मंडपे आए श्री करे श्रीमुख दर्शन। तो भगवान के दर्शन मात्र के लिए सभी लोग क्या किया? भगवान के भोग मंडप में गए। दरअसल भोग मंडप में किसी को जाना नहीं चाहिए, भोग मंडप में कभी किसी को जाना नहीं चाहिए, ये रूल है। पर ये सभी लोग कहाँ गए? तो आगे से भीड़ हो गई, इसीलिए दर्शन नहीं हो रहा। तो सभी के सभी लोग भोग मंडप में घुस गए और वहां से दर्शन ले रहे थे। दर्शन लो भेत करी मर्यादा लांगन भोग मंडी पे यार मुख दर्शन। गदा तृष्णाय गाढ़ तृष्णाय पिए कृष्ण वदन कमल। क्योंकि चेतन महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन 15 दिन के बाद हो रहा था, इसीलिए मैं इतना प्रेम था, इतने प्रेम से दर्शन कर रहे थे कि मानो मानो वो अपनी आंखों से भगवान को पी जाएंगे। इस पर दर्शन करते हैं, भगवान का सेवन करेंगे। And his eyes became like two bumblebees. भगवान की आंखें जो है कैसे बन गए? बम्बलबी मत और भौरे के समान बन गए। ड्रिंकिंग द हनी फ्रॉम द लोटस लाइक फेस ऑफ जगन्नाथ उस कृष्ण हिमसेल्फ। तो भगवान कृष्ण का क्या मुख कमल जो है कमल की तरह है। तो इसीलिए कमल के ऊपर जो हमेशा भौरे घूमते हैं, तो मानो चैतन्य महाप्रभु के दो आंखें भौरे के समान जगन्नाथ जी के आंखों का नेत्रों का अमृत या मद मकरंद को प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहे थे। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं, उससे पहले प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल नीलामणि दर्पण कांति गंध झलमल। इसका जगन्नाथ का स्वरूप, जगन्नाथ जी का स्वरूप, उनकी दो आंखें थी वो बड़े खिले हुए कमल, जब कमल जब खिलता है पूरा बड़ा होता है, तो उस प्रकार से खिले हुए कमल फूल की तरह जगन्नाथ जी की आंखें थी। प्रफुल्ल कोमल जिनी नयन युगल, दोनों के दोनों आंखें कैसे थे? प्रफुल्ल कमल जिनी, प्रफुल्ल ने क्या पूरी तरह से फूला हुआ, कंप्लीटली ब्लॉसम्ड। तो जितना सुंदर लगता है भगवान की आंखें भी उतनी सुंदर लग रही थी। नीलामणि दर्पण कांति गंध गंडा जल अमल, और भगवान का गला कैसा था? वो बहुत सारे, द नेक वॉज एज लस्ट्रियस एज अ मिरर मेड ऑफ सफायर। यदि नीलमणि का आईना बना दो तो कैसे चमकेगा? उस प्रकार से भगवान का गला जो है चमक रहा था, जगन्नाथ जी का गला। तो वो दर्शन जो है महाप्रभु पीछे गरुड़ स्तंभ से खड़े रहकर जगन्नाथ जी का दर्शन कर रहे थे।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस श्लोक के परपोट में एक ऐसे पॉइंट पर चर्चा कर रहे, ऐसी शिक्षा दे रहे, कहते हैं इन ग्रेट ईगरनेस चैतन्य महाप्रभु क्रॉस द मीटिंग हॉल एंड एंटर द रूम वेयर फूड वॉज ऑफर्ड। तो यहां पर से दर्शन लेना चाहिए जगमोहन से, जगमोहन शहर, जगमोहन नहीं, हाँ। तो जहां से भगवान का दर्शन लेना चाहिए वहां से दर्शन न लेते हुए चैतन्य आपने क्या किया, मर्यादा को भंग करते हुए वो सीधा प्रसादम हॉल में गए जहां पर भगवान प्रसाद लेते हैं। उस प्रसादम हॉल से जो है भगवान के सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे, है ना। तो इसीलिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, भोग मंडपे यार करे श्रीमुख दर्शन, दर्शन लोभित करी मर्यादा लांगन। तो दर्शन के लिए मर्यादा को उन्होंने लांग दिया, क्रॉस कर दिया था मर्यादा को, मर्यादा को लांग दिया था। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मर्यादा लांग का मतलब क्या है, अ वायलेशन ऑफ द रेगुलर प्रिंसिपल, दिस इंडिकेट्स दैट वन शुड नॉट कम वेरी नियर और सुपीरियर। किसी व्यक्ति को दिस इंडिकेट्स दैट वन शुड नॉट कम वेरी नियर और सुपीरियर, जो अपने से बड़े लोग होते हैं उनके हम करीब ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उनसे ज्यादा दूर, मेंटेन सेफ डिस्टेंस, ना कीप सेफ डिस्टेंस, बस के पीछे क्या लिखते हैं, कीप 50 मीटर डिस्टेंस, है ना। क्यों, क्योंकि आगे जाएंगे तो कभी भी क्या होता है इंग्लिश में कहते हैं फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जब व्यक्ति करीब जाते हैं तो अपराध करने लगते हैं। तो इसीलिए आप हमसे जो बड़े हैं उनसे हमेशा थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, उनसे ज्यादा अधिक करीब करीब जाना नहीं चाहिए, ये महाप्रभु प्रभुपाद जी कहते हैं। दिस इंडिकेट दैट वन शुड नॉट कम वेरी वेरी नियर अ सुपीरियर, बोथ द लॉर्ड्स डीटी फॉर्म एंड द स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस। भगवान को और गुरु को हमेशा दूर से दर्शन करके दूर से नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आगे जाएंगे तो क्या होगा, उनको झेल नहीं पाएंगे और क्या करेंगे, अपराध होगा। तो इसलिए अपराध नहीं करना है तो गुरु और भगवान दूर से दर्शन करो। समटाइम्स कमिंग टू नियर द डीटी और स्पिरिचुअल मास्टर डिग्रेड्स द नियोफाइट डिवोटी। कभी कभी भगवान और गुरु के करीब आने से जो प्रारंभिक भक्त होता है उसका नाश हो सकता है, है ना। देयरफॉर ऑलवेज बी केयरफुल फॉर नेग्लिजेंस कैन ओवरकम देम। पर्सनल सर्वर ऑफ द डीटी एंड स्पिरिचुअल मास्टर शुड ऑलवेज बी वेरी केयरफुल फॉर नेग्लिजेंस में ओवरकम देम इन देयर ड्यूटी, क्योंकि उनके सेवा में करते करते क्या होगा, बीच बीच में कभी ना कभी अपराध कर देंगे, तो इसलिए हमेशा दूर रहना चाहिए। तो अब यहां पर इस श्लोक में कहा गया है कि भगवान को देखने से क्या हुआ, कैसे देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु, प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल नीलामणि दर्पण कांति गंड झलमल। तो भगवान की आगे कैसे थी, प्रफुल्ल कमल जिनी, कमल यानी लोटस, पूरा हुआ खिला हुआ लोटस कैसे लग रहा था, कैसे होता है, वैसे भगवान की दो आंखें दिखाई दे रही थी, देखा खिला हुआ फूल को कमल का पूरी तरह से खिला हुआ, वैसे भगवान के आंखें लग रही थी। यहाँ पर कहते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं द ऑथर हैज मेड दिस कंपैरिजन इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु व्हाइल द लॉर्ड वाज डीपली अब्सॉर्ब इन एक्स्टेटिक लव फॉर लॉर्ड जगन्नाथ। जब वो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी में पूरी तरह अपने आप को लीन कर लिया उन्होंने दर्शन से और प्रेमास्वादन कर रहे थे, तो उस समय भगवान की आंखें कैसी होती है, इसके लिए कविराज उस समय जो है उसे कमल के फूल की तरह, तो खिले हुए कमल के फूल के समान उनकी तुलना कर रहे हैं। भंडूरीला फूल जीनी आधार सुरंग ईशत हसिता कांति अमृत तरंग। भगवान का जो चिन्ह था, जगन्नाथ जी का चिन्ह
was tinged with buff color. ये बफ कलर क्या था पता नहीं. कॉन्कर्ड द ब्यूटी ऑफ बंडुली फ्लावर. जो बंडुली नाम का ये फूल होता है वो सबसे सुंदर होता है. तो बोले भगवान के उस चिन्ह के सामने, उनकी थोड़ी के सामने जो क्या हुआ, बफूली बंदुली फूल का जो खुशबू था, जो उसका उसका खुशबू नहीं, जो उसका सौंदर्य था वो भी फीका पड़ गया. This increased the beauty of his smile, which was like luscious way of nectar. और ये सोचकर चेतन महाप्रभु को संतोष हुआ, हंसने लगे. और श्रीमुख सुंदर कांति बड़े क्षण क्षण, और जो भगवान का जो मुख था उसकी कांति जो है क्षण क्षण बढ़ रही थी. श्रीमुख सुंदर कांति बड़े क्षण क्षण, कोटि भक्त नेत्र भृंग करे मधु पाने. भृंग जो मधुमक्खी होता है, भौरा. तो मानो कि कोटि कोटि भौरे आकर भगवान का सुंदर रूप पी रहे हो, आस्वादन कर रहे हो, ऐसे लग रहे थे. यथा पीयेत तृष्णा बढ़े निरंतर, जितना पी रहे उतना ही तृष्णा और बढ़ रहा है. मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र नाया अंतर, और जैसे ही आंखें उस मद को पी रही थी, भगवान के उस सुंदर पुष्प के समान मुख को जब देख रहे थे, तो मानो उसमें से अमृत पी रहे हो. और इस प्रकार से उनकी आंखों ने अभी भगवान का दर्शन नहीं छोड़ा. क्यों? क्योंकि उन दर्शन से ही उनकी आंखों में जो है उनको अमृत की प्राप्ति हो रही थी, तो इसीलिए कभी नहीं छोड़ा. यही मत महाप्रभु लोहिया भक्तगण मध्यान पर्यंत कैला श्रीमुख दर्शन. इस प्रकार से जो है चेतन महाप्रभु अपने भक्तों के संग में जाकर दोपहर तक, सवेरे गए थे दर्शन के लिए, सवेरे गए थे, दोपहर तक जो है सभी के सभी लोग केवल मंदिर में दर्शन ही कर रहे थे. तो महाप्रभु मध्यान पर्यंत कैला श्रीमुख दर्शन श्वेदकम पास्त्रु जल वाये सर्वक्षण दर्शने रलोभ प्रभु करे संवारण. और जो है हर बार की तरह चेतन महाप्रभु इतने दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे थे, सारे लक्षण दिखाई दे रहे थे, तभी उनको पसीना छूट रहा था, तभी वो कांप रहे थे, एकदम उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर भगवान ने क्या किया, अपने आंखों से आंसू को पोछ डाला. क्यों पोछे? जगन्नाथ जी के दर्शन करते वक्त महाप्रभु बड़े प्रेमावेश हो गए, और उस प्रेमावेश में उनके शरीर में कंपन हो रहा है, उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और शरीर कांप रहा है, पर महाप्रभु ने अपने आंसुओं को रोका. अपने बट द लॉर्ड चेक दिस टीयर्स. किस लिए रोका उन्होंने? आंसू निकल रहे पर उनको रोक ले रहे भगवान. क्यों रोका उन्होंने अपने आंखों के आंसू को? क्योंकि जब अपने आंखों में आंसू भर जाता है तो हमें सामने कुछ दिखता नहीं. तो चैतन्य महाप्रभु ये नहीं चाहते थे कि उनके आंखों के आंसू की वजह से उनका दर्शन मिस हो जाए. तो ये महाप्रभु दर्शन था, वो एक क्षण के लिए भी जगन्नाथ जी का दर्शन मिस नहीं करना चाहते थे. दे आर लुकिंग एट द फेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ वॉज इंटरप्टेड ओनली वेन इट वॉज ऑफर्ड फूड. जब जगन्नाथ जी को भोग लगाया जाता था तभी इन सभी का भक्तों का, महाप्रभु और भक्तों का नजर हटती थी, नहीं तो नहीं. और फिर से भोग लगने के बाद फिर से वो आते और फिर से इस तरह भगवान के मुख पद्म को देखते रहते. और जब भगवान को भोग लगाया जाता था ब्रेक, तो ये सब लोग क्या करते थे? सब जोर जोर से कीर्तन करते थे. मध्य मध्य भोग लागी मध्य दर्शन भोगेरा समय प्रभु करिना कीर्तन. तो मध्य मध्य भोग लागे, मधुन मधुन अधुन मधुन, जैसे बीच बीच में भगवान को भोग लग रहा था और दर्शन बंद हो रहा था, पर जब दर्शन खुलने का टाइम आया तो सभी लोग जो है कीर्तन, जब दर्शन बंद था सभी लोग कीर्तन कर रहे थे, और जब दर्शन खुला था तो सभी लोग भौरे की तरह भगवान के मुख पद्म को एक टटोल से निहार के मानो रस का आस्वादन कर रहे.
और फिर दर्शन आनंदे प्रभु सब पसारीला भक्त गणे मध्यान करिते प्रभु रस लय गेला। और फिर चैतन्य महाप्रभु को जो है जगन्नाथ के दर्शन करने से बहुत बहुत आनंद मिला और फिर चैतन्य महाप्रभु सब कुछ भूल गए, पर महाप्रभु सब कुछ भूल गए, दर्शन करके सब कुछ भूल गए। अब दोपहर हो चुका, अब खाना है, कुछ पता नहीं उनको। तभी सब भक्तों ने क्या किया, उनको साथ में लेके गए और उनको भोजन कराया, दोपहर का भोजन। प्रातः काल रथ यात्रा देखी देखा बे जानिया सेवक लगाए भोग विघ्न करिया। तब दूसरे दिन सवेरे क्या हुआ, रथ यात्रा का उत्सव था, सवेरे नेत्रोत्सव के सवेरे क्या होता है, रथ यात्रा का उत्सव। और इसीलिए ये सब कुछ जानते हुए, नोइंग दैट अ कार फेस्टिवल टेक प्लेस इन द मॉर्निंग, ऑल द सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ वर डबलिंग देयर ऑफरिंग्स ऑफ फूड। और जगन्नाथ जी इतने सेवक लोग थे, भक्त लोग थे, भगवान को भोग लगाने के लिए सब क्या किया, सब संख्या को डबल कर दिया, डबल राइस, डबल दाल, डबल मिठाई, डबल केक, डबल ये सब को डबल डबल, क्योंकि भगवान को भोग लगने वाला है। इस प्रकार से कविराज उस समय कहते हैं, गुंडीच मार्जन लीला संक्षिप्त कहिला यहाँ देखी शूनि पापीर कृष्ण भक्ति होइला। तो ये गुंडीचा मार्जन जो है मैंने विवरण किया है संक्षिप्त में, इन शॉर्ट, इन शॉर्ट मतलब जो भी जो कोई व्यक्ति इस लीला को देखेगा सुनेगा क्या होगा, यहाँ देखी शूनि प्रापीर कृष्ण भक्त होइला। और केवल कोई पापी सुनता है तो उसके हृदय में कृष्ण भक्ति जो है जागृत हो जाती है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो इस अंत को, इस अध्याय 12वें अध्याय का अंत करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बस मेरी एक ही याचना है कि रूप रघुनाथ मुझ पर कृपा करें। उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं चैतन्य चरितामृत को लिख रहा हूँ। और अब हम शुरुआत करते हैं चैतन्य चरितामृत के 13वें अध्याय, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा के समय नृत्य करना, प्रेम नृत्य, कैसे महाप्रभु नृत्य करते थे जगन्नाथ जी के समक्ष। तो यहाँ पर बहुत डिटेल है और उसमें फिर से जैसे हमने कहा महाराज प्रताप रुद्र पर जो कृपा है वो चलते रहेगी, हर एक चैप्टर में उनको भगवान थोड़ी थोड़ी कृपा करते रहेंगे, प्रताप रुद्र महाराज पर एक ही बार दर्शन नहीं देंगे, धीरे धीरे कृपा करने वाले हैं। तो कविराज गोस्वामी इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं यह कहते हुए, सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननार्थय येनासीत जगतम चित्रम जगन्नाथो अपि विस्मिता। तो कहते हैं वह कृष्ण, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब रथ के समक्ष नाचते, जगन्नाथ जी के रथ के सामने नाचते, वी ऑल ग्लोरीफाइड, उनकी जय हो, उस चैतन्य महाप्रभु की जय हो जो जगन्नाथ जी के रथ के सामने नाच रहे हो। स्वजियात कृष्ण चैतन्य श्री राधाग्रे ननार्थया, क्या कहते हैं, स्वजियात उनकी जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, क्यों, क्योंकि वो जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य कर रहे हैं। ये नासी जगतम चित्रम जगन्नाथो अपि विस्मिता, उनके क्यों की जय कर रहे हैं, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते डांस करते थे तो पूरा जगत जो है, ये नासी जगत चित्रम
सब कुछ जो पूरा पूरा जगत जो था चित्र यानी क्या हेल्ड इन वंडर सामने सा शॉक, जब आश्चर्य बढ़ जाता है हम कहते हैं आश्चर्य से कि थोड़ा नहीं, आश्चर्य से भी एक बड़ा स्तर है जहां पर लोग जो है एक ही तरह देखने लगते हैं, उसे कहते हैं चित्रम, चित्र की तरह पेंटिंग। पेंटिंग वैसे होते हैं कई पेंटिंग हिलता ही है, इस प्रकार से सभी के सभी लोग पेंटिंग से बन गए थे और जगन्नाथ को बड़ा आश्चर्य लग रहा था। जगन्नाथ अपि विस्मिता, जगन्नाथ को बड़ा विस्मय हो रहा था। तो ये इस प्रकार से वो नृत्य करते थे। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद, जय श्रोत गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभु परम मोहन। तो अब कविराज गोस्वामी सुनने वालों को जय कर रहे कि आपकी जय हो, है ना। जय श्रोता गण सुना करी एक मन, हे श्रोता गण आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं कृपा करके आप जो है एक मन सुना करी एक मन, आप एक मन से उसको सुनो। क्यों? रथ यात्रा नित्रा प्रभु परम मोहन, क्योंकि रथ यात्रा के समय जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं वो कैसा नृत्य होता है? परम मोहन, परम मोहन होता है। इसीलिए आरदीन महाप्रभु होइया सावधान, अगले महाप्रभु बड़े सावधान हो गए, बड़े केयरफुल थे। कैसे? रात्रि उठी गण संगे कैला प्रातः स्नान, रात्रि में उठ गए, सवेरे सवेरे जल्दी उठ गए और सभी लोगों ने स्नान किया। पांडु भी जय देखी बारे कोरिला गमन, जगन्नाथ यात्रा कोयला छाड़ी सिंहासन। तो पांडु विजय उत्सव चंदे, पांडु विजय जब जगन्नाथ जी को सिंहासन से उतार कर चला चला कर जगन्नाथ चलते ऐसे चला चला कर रथ की ओर ले गया, तो कहते पांडु विजय। तो उस पांडु विजय उत्सव को देखने के लिए महाप्रभु सवेरे उठकर स्नान करके जो है चल दिए, और तब तक जब तक महाप्रभु पहुंचे तब तक जगन्नाथ रत्या जगन्नाथ यात्रा कोयला छाड़ी सिंहासन, तब तक जो है जगन्नाथ जी ने रथ को सॉरी सिंहासन का त्याग कर दिया और रथ की ओर चल दिए, यानी भगवान जो है मंदिर से बाहर निकल गए थे। आपनी प्रताप रुद्र लोहिया पात्र गण, महाप्रभु गण कराए विजय दर्शन। तो यहाँ पर कहते हैं आपनी प्रताप रुद्र लोहिया पात्र गण, महाप्रभु गणे कराए विजय दर्शन। तो राजा क्योंकि पांडु विजय देखने के लिए बहुत रश होता है, सबको देखने को नहीं मिलता, इतनी भीड़ जमी हो जाती है यहाँ वहां सब देखने को मिलता। पर जैसे ही महाराज प्रताप रुद्र को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु को जो है ये पांडु विजय उत्सव देखना है, तो उन्होंने उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किए और ये अलाउड सभी भक्तों को, महाप्रभु और उनके भक्तों को सभी को ही पांडु विजय उत्सव देखने के लिए उनके लिए विशेष व्यवस्था की। तो इस प्रकार से जो है महाराज प्रताप रुद्र सारे भक्तों की और भगवान की सेवा कर रहे थे। अब जाकर बाद में देखें किस प्रकार उनको सेवा का अवसर मिलता है, है ना। बलिष्ठ दैत गण ये न माट हाथी, है ना, जगन्नाथ विजय कराए करे हाथ हाथी। तो यदि अभी भी वीडियो देखोगे आप, अभी भी यूट्यूब में आकर जगन्नाथ जी का पांडु विजय उत्सव देखोगे तो जगन्नाथ जी को उठाने वाले कैसे होते, बड़े पहलवान लोग होते, काले काले से मोटे मोटे पहलवान लोग। तो यहाँ पर कविराज कहते हैं बलिष्ठ दैत गण, कैसे
दैतागण जो है, जो भगवान के सेवक लोग है, कैसे बड़े स्ट्रॉन्ग है, बलिष्ठ दैतागण। ये ना माता हाथी, मानो मति हाथी यानी मद्यपान किए हुए हाथी की तरह। हाथी पहले ही बहुत शक्तिशाली होता है, इसे दारू पिला दो फिर और उन्मत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सब लोग जो उठा रहे थे महा जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ अभी जय कराए करे हाथा हाथी, है ना। तो सभी लोग उठा उठा कर, अपने हाथों से उठाकर जगन्नाथ जी को सिंहासन से, उनके गर्भगुड़ी से कहाँ ले गए, रथ पर ले गए। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी के भक्तों को क्या कहा गया है, दैता बलिष्ठ दैता गण, ये नौमति हाथी। कैसे थे वो लोग, बलिष्ठ दैतागण। जो दैतागण थे वो बहुत बलिष्ठ थे। तो प्रभुपाद जी हमारे परपोट में बलिष्ठ शब्द का अर्थ क्या, सॉरी दैता शब्द का अर्थ कर रहे हैं, क्या है, अ दैता रेफर्स टू वन हु हैज रिसीव्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। दैता कौन होते हैं, वो लोग जिन पर भगवान की कृपा हुई है। दैता का एक अर्थ ये भी है प्यारा, प्रेमी, वो दैता का होता है प्यारा। श्री वार्ष भानवी देवी दैताय दास, क्या नाम है ये, भक्त सिद्धांत संस्थापक का नाम, श्री वार्ष भानवी देवी दैताय दास। तो वार्ष भानवी राधा रानी का जो प्रेमी है दैता, कौन है, कृष्ण। तो दैता का अर्थ है प्रेमी। और प्रभुपाद जी कहते हैं द वर्ड दैता रेफर्स टू वन वाज रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हुई है वही दैत कहलाता है। तो भगवान के जो सेवक होते हैं वो कोई बड़े कुल से नहीं आते, बट बिकॉज दे आर एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड दे हैव बीन एलिवेटेड टू रिस्पेक्टेड पोजीशन एंड दे आर कॉल्ड दैतास। चूंकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं इसीलिए उन्हें दैत कहा गया है। तो ये जगन्नाथ जी के जो भक्त है दैत्य लोग, वो कभी सेवा करते हैं, उनकी सेवा स्नान यात्रा से शुरू होती है और रथ यात्रा तक, उसके बाद साल भर जो है ब्राह्मण लोग सेवा करते हैं, पर दैत्य लोग जो है इन लोग केवल ये बस 15-20 दिन साल में, केवल 15-20 दिन ही वो भगवान की सेवा करते हैं। फिर कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कटक दैता करे स्कंद आलंबन, कटक दैता धरे श्रीपद मा चरण। तो कभी कभी जगन्नाथ जी को चलाने के लिए क्या करते थे लोग, स्कंद आलंबन, आलंबन यानी क्या, पकड़ना। तो कभी कभी लोग जगन्नाथ जी के हाथों को पकड़कर, स्कंद यानी क्या, शोल्डर्स, शोल्डर से पकड़ के उठा के ले जाते, और कभी कभी क्या करते, कटक दैता धरे श्रीपद मा चरण, भगवान के पैरों को पकड़कर उठाकर चलते थे। तो कुछ लोग नीचे से, कुछ लोग ऊपर से, इस प्रकार से वो लोग जगन्नाथ जी को ले जाते। कटे ताटे बद्ध दृढ़ स्थूल पत्त दोरी, दुई दिखे दैता गण उठाए ता धरी। तो कैसे उठाते जगन्नाथ जी को, वो जगन्नाथ जी को कमर में बहुत मोटे मोटे रस्सी से बांधते थे, और क्या की रस्सी, सिल्क, सिल्क की रस्सियों से वो बांधते थे, और फिर दोनों साइड से वो रस्सी को पकड़कर जगन्नाथ जी को उठाते थे ऊपर। तो इस प्रकार चलते हो, क्योंकि जगन्नाथ जी इतने बड़े भारी भरकम है, वो चलना आना इतना इजी नहीं है। तो कुछ लोग कंधे पर हाथ लगाते, कुछ लोग पीछे पकड़ते, और कुछ लोग जगन्नाथ जी को रस्सी से बांध देते। तो जगन्नाथ जी को हमेशा बांधा जाता है, क्यों, बैलेंस करने के लिए। तो सिल्क के धागे से वो जो है भगवान को बांध कर उठा उठा कर ले जा रहे थे। उच्च दृढ़ तुली सब फाटी स्थाने स्थाने, एक तुली है थे त्रावर आर तुली आने। और जब जगन्नाथ चलते थे, जैसे उठाते थे तो भगवान के पैर के नीचे तकिया रखा जाता है, मोटे मोटे तकिया, फिर आगे रखा जाता है तकिया, फिर भगवान बैठते, फिर उठाते, फिर तकिए को आगे बढ़ते। ऐसे कभी कभी क्या होता था, थकिया जो है भगवान के शरीर को, शरीर के भार को न संभालते हुए फूट जाता, थकिया फूट जाता, और सब कॉटन जो है उसमें जो सिल्क कॉटन था वो सब उड़कर सब हवे में
कॉटन। और फिर भक्तगण क्या करते, दूसरा तकिया मंगाते। इस प्रकार से अनेक तकिया लेके आते जगन्नाथ जी को चढ़ाने के लिए। प्रभु पाद घाटे तुई होए खंड खंड तुली तुला सब उड़ी आए शब्द होए प्रचंड। क्या होता था, जितने भी तकिया लाते थे वो तकिया उड़ी फट जाते थे और उसमें से जो कॉटन था वो हवा में आकाश में उड़ जाते थे। जब तकिया फूटते थे बड़ा सवा आ जाता ठार ठूर ठार वैसे, तो वैसे तकिया था सोचो भरा हुआ। महाप्रभु के पैर लगते ही चेतना होंगे सॉरी जगन्नाथ जी का पैर लगते ही कुछ कुछ तकिए आवाज कर कर फूट जाते। महाप्रभु क्या करते थे, महाप्रभु मानिमा माहिमा करे ध्वनि नाना वाद्य कोलाहले किछु नहीं सुनी। तो जब जगन्नाथ जी को सिंहासन से रथ पर लाया जाता है उस पांडुविजय उत्सव में, तब क्या होता है बहुत सारे नगाड़े बाजे बजते हैं और उस समय महाप्रभु क्या कर रहे थे, मानिमा मानिमा मनीमा मनीमा कहकर चिल्ला रहे थे पर उनके शब्द को कोई सुन नहीं पा रहा। क्यों, जो कीर्तन का आवाज था ढिंग डांग ढिंग ढिंग बजाते थे तो इतना जोर से देखे जगन्नाथपुरी में कितने लोग रहते बजाने के लिए, तो उसमें किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता। और तबे प्रताप रुद्र करे अपना सेवा ने, तो क्या देख रहे हैं कि प्रताप रुद्र महाराज खुद अपने से सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं, सुवर्ण मार्जिनी लया करे पाठ सम्मार्जन। तो राजा प्रताप रुद्र क्या कर रहे थे, हाथ में सोने का झाड़ू लेकर जगन्नाथ जी के आगे रास्ता साफ कर रहे थे। और इस दृश्य को कौन देख रहे, महाप्रभु देख रहे। ओ राजा इतना हम्बल सेवा भी कर रहा है, राजा जो है इतना हम्बल सेवा भी कर रहा है, हाथ में सोने का झाड़ू लेकर रास्ता साफ कर रहे हैं। यानी राजा जरूरत पड़ने पर एक भंगी का काम भी कर रहा है, झाड़ू मारने का काम किसका है, भंगी का काम है। तो राजा जो है भंगी बन चुके थे भगवान की सेवा में। चंदन जलेते करे पातानी शिष्य ने, तो राजा झाड़ू मारते आ रहे थे और फिर पीछे से लोग चंदन के पानी से पूरे रास्तों को शुद्ध कर रहे थे चंदन के जल से। तुच्छ सेवा करे ए राजा सिंहासन, तुच्छ सेवा करे वासी राजा सिंहासन। और फिर भले ही राजा इतने बड़े पोजीशन पे थे पर क्या कर रहे थे, हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू मार रहे थे और फिर बाद में चंदन का पानी लेकर पूरे रास्ते को शुभ्र कर रहे थे या उसे सुगंधित बना रहे थे। तो कहते हैं कि वो इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी जगन्नाथ जी की इतनी तुच्छ सेवा में लगे हुए हैं। तो ये सेवा कौन करता है, भंगी लोग करते हैं, फोर्थ क्लास शूद्र लोग करते हैं, पर महाप्रभु जो है सॉरी महाराज प्रताप इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी ये तुच्छ कार्य कर रहे हैं। उत्तम हो या राजा करे तुच्छ सेवन, उत्तम होने के बावजूद राजा यार राजा क्या कर रहे हैं, उत्तम हो या राजा करे तुच्छ सेवन अतएव जगन्नाथ कृपा भाजन, इसलिए वो जगन्नाथ जी के कृपा के पात्र हो गए। क्यों, इतने बड़े राजा होने के बावजूद भी तुच्छ सेवा कर रहे हैं। और बाद में श्लोक इंपॉर्टेंट है, महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखी थे, राजा के उस सेवा को देखकर क्या हुआ, महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखी थे, महाप्रभु कृपा होइला से सेवा होई थे। तो सबसे पहले महाप्रभु खुश हुए और फिर क्या हुआ, महाप्रभु ने दूर से कृपा कर दी, वेरी गुड। अब तक मिलन हुआ नहीं था, राजा और महाप्रभु का मिलन नहीं हुआ, पर मिलन से पहले ही मिलन हो गया। कैसे, आशीर्वाद के माध्यम से, मिलने से पहले ही मिल गए, दूर दूर से एक दूसरे को देखकर मिल गए और वहां पर जो है चैतन्य महाप्रभु ने उन पर कृपा की। तो प्रभुपाद जी इसके रिपोर्ट में लिखते हैं,
Unless one receives the mercy of the Lord, he cannot understand the supreme personality of Godhead or engage in his devotional service. जब तक हम पर भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक हम भगवान को ना ही समझ पाएंगे ना तो उनकी भक्ति में लग पाएंगे, ना समझ पाएंगे ना उनकी भक्ति कर पाएंगे. केवल भगवान कृपा होनी चाहिए. यदि भक्त को भगवान का लेश मात्र भी कृपा यदि प्राप्त हो जाए, डिवोटी वाज रिसीव्ड इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द मर्सी ऑफ द लॉर्ड कैन अंडरस्टैंडिंग, तो भगवान कौन समझ सकता है? ये प्रश्न पूछे. हु कैन अंडरस्टैंड गॉड? वन वाज रिसीव्ड द मर्सी. जिस व्यक्ति को भगवान कृपा प्राप्त हुई है वही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है. बाकी लोग जिंदगी भर कल्पनाएं करते रहेंगे, भगवान ऐसे है, भगवान ये है, भगवान वो नहीं है, हमका है तुमका है, पर उनको कभी भगवान समझ में नहीं आएगा. यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि जब राजा ने महाप्रभु से मिलने की इच्छा जताई तो महाप्रभु क्या कहा? पर अब जो है वही व्यक्ति, वही चैतन्य महाप्रभु जब ये देख रहे हैं कि महाराज हाथ में छोने का झाड़ू लेकर एक साधारण मानव की तरह पूरे रास्ते को साफ कर रहे हैं, और रास्ता ही नहीं उस पर पूरा कौन सा पानी, चंदन का पानी से पूरा स्प्रिंकल कर रहे हैं ताकि अच्छा खुशबू है ना. और जब महाप्रभु ने ये देखा तब क्या हुआ? महाप्रभु संतुष्ट हुए और तब जाकर द किंग बिकेम एलिजिबल टू रिसीव श्री चैतन्य महाप्रभुस मर्सी. राजा को भगवान कृपा के प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इफ अ डिवोटी एक्सेप्ट्स लॉर्ड चैतन्य एज यूनिवर्सल गुरु, यदि कोई भक्त चैतन्य महाप्रभु को जगत गुरु के रूप में स्वीकार करता हो और लॉर्ड जगन्नाथ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज बेनिफिटेड बाय द कंबाइंड मर्सी ऑफ कृष्ण एंड गुरु, उसे गुरु और कृष्णा दोनों का सामूहिक कृपा की प्राप्ति होती है. एक साथ भगवान दोनों कृपा कर देते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु. पर कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि हम भगवान को स्वीकार करें. हम भगवान को, इफ द डिवोटी एक्सेप्ट श्री चैतन्य महाप्रभु एज यूनिवर्सल गुरु एंड जगन्नाथ, बस दो ही काम करना है. चैतन्य महाप्रभु को पूरे जगत गुरु के रूप में देखना है और जगन्नाथ को ईश्वर के रूप में देखना है. ये दो विश्वास करेंगे तो व्यक्ति क्या होगा, उसे भगवान कृपा, गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी. और फिर रथे रस जनी देखी लोक चमत्कार, नवहेमा माया रथ सुमेरु आकार. तो रथ कैसा था? हेममय, बड़ा सुनहरा लग रहा था और मानो पर्वत सुमेरु पर्वत की तरह ऊंचा था. इतना पर्वत विशाल था, बड़ा पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत है सुमेरु पर्वत. तो सुमेरु पर्वत उतने बड़ा वैसे ही आकार का जो है रथ लग रहा था और सुनहरा लग रहा था. मानो कि रथ कैसे दिख रहे थे? मानो सुमेरु पर्वत वहां पर आ गए हो. सो एवरीवन एस्टोनिश्ड टू सी द डेकोरेशंस ऑन द रथकार. रथ के ऊपर जितना डेकोरेशन था उसे देखने के लिए, उसे देखते ही सब लोग आश्चर्यचकित हो गए. और रथ ऐसे लग रहा था मानो सोने का बनाया हुआ हो, सोने का बनाया हुआ रथ लग रहे थे क्योंकि वो सुमेरु पर्वत से भी बहुत ऊंचा था. तो अब शत शत दूर शत शत सुचामर दर्पणे उज्जवल ऊपरे पताका सब चंडोया निर्मल. तो अब रथ कैसे डेकोरेशन किया था? कहते हैं
शत शत सुचामर दर्पणे उज्जवल, रथ को पूरी ओर सौ सौ सैकड़ों चामर लगाए हुए थे, रथ पे पूरा ऊपर चामर लटका, क्यों? भगवान को हवा आने के लिए। शत शत सुचामर, सुचामर यानी क्या? अच्छा चामर, सफेद। शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल, और बहुत सारे उसमें आईने लगे हुए थे, आईने से डेकोरेशन किया था ग्लास रथ को। शत शत सुचामर दर्पणे उज्ज्वल ऊपर पताका शोभे छंडो छंदो या निर्मल, है ना। तो रथ के ऊपर क्या था? रथ के ऊपर शिखर पर झंडे लगे हुए थे और वो बड़े सुंदर लग रहे थे। रथ के ऊपर झंडे बड़े सुंदर लग रहे थे। घाघरा किंकिनी बाजे घंटा रक्वनिता नाना चित्र पट वस्त्र रथ विभूषिता, है ना। और रथ में बहुत सारे सिल्क के कपड़े से डेकोरेशन किया गया था और बहुत सारे घंटी थे, गोंग थे और पायल थे, ये सब बज रहे थे। घुंघरू, पैर में घुंघरू बज रहे थे और लोग सब क्या कहते उसे, नाना चित्र पट वस्त्र रहा विभूषित, और सभी लोग जो है अच्छे अच्छे सिल्क कपड़े पहनकर रथ को अच्छे अच्छे सिल्क कपड़े से सजाया गया था, सिल्क के कपड़े और उसमें बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारे घंटियां गोंग और पायलों से सजाया हुआ था रथ को, या घुंघरुओं से। लीला या छड़ीला ईश्वर रथेर ऊपर, लीला करने के लिए भगवान क्या किए? रथ के ऊपर चढ़ गए। लीला या छड़ीला ईश्वर रथेर ऊपर आरा दुई रथे चढ़े सुभद्रा हलधर, और जैसे जगन्नाथ जी चढ़े तो साथ ही साथ दूसरे दोनों रथों पर कौन चढ़े? सुभद्रा और हलधर। हलधर यानी बलराम जी, जो अपने हाथ में हल्क धारण करते हैं। पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तारा संगे क्रीड़ा कैला निभृत वासिया, और पंचदश दिन ईश्वर महालक्ष्मी लैया तारा संगे क्रीड़ा कैला निभृत वासिया। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है 15 दिन अकेले में एकांत में थे, किनके साथ? लक्ष्मी जी के साथ, और इसीलिए उन्होंने वहां पर अलग अलग लीलाएं की। ताहारा सम्मति लय भक्त सुख देते रते छड़ी बहिरा हैला विहार करीते। तो लक्ष्मी जी की कृपा से, लक्ष्मी देवी से अनुमति लेकर भगवान क्या किए, रथ के ऊपर बैठने के लिए घर से बाहर आ गए और साथ ही साथ अपनी लीलाओं करने से, लीला नाना प्रकार लीलाओं से जो है भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। ही वॉज गिविंग प्लेजर, द परफॉर्मेंस इज पास टाइम्स फॉर द प्लेजर ऑफ द डिवोटीज। तो भगवान लीलाएं केवल अपने भक्तों के आनंद के लिए ही किया करते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहां पर कि जो एक आदर्श पति होता है, एन आइडियल हस्बैंड, लॉर्ड जगन्नाथ रिमेंड एज एन आइडियल हस्बैंड, लॉर्ड जगन्नाथ रिमेंड 15 डेज विद हिज वाइफ सेक्लूडेड प्लेस, नंदलेस द लॉर्ड वांटेड टू कम आउट ऑफ द सेक्लूजन टू गिव हैप्पीनेस टू हिज डिवोटीज। क्योंकि ठीक है लक्ष्मी देवी के साथ 15 दिन बिताए और उसके बाद भगवान बड़े आतुर तो रहे, नहीं मुझे अब केवल लक्ष्मी नहीं सभी को मेरा दर्शन कराना है, है ना, सभी को आनंद प्रदान करना है, क्योंकि हैप्पीनेस टू हिज डिवोटीज। इसीलिए द लॉर्ड एंजॉयज हिमसेल्फ इन टू वेज नोन एज स्वकीय और परकीय। भगवान जो है दो तरह से आनंद का आस्वादन करते, एक तो स्वकीय और दूसरा परकीय। तो स्वकीय रस क्या है? यहां पर कहते हैं द कॉन्जुगल लव इन द स्वकीय रस रिलेट्स टू रेगुलर प्रिंसिपल्स ऑब्जर्व्ड इन द्वारका। जैसे द्वारका में भगवान की बहुत सारी पत्नियां थी, उनके साथ में जो संबंध था वो क्या स्वकीय, पर परकीय क्या है? भगवान के गोपियों के साथ में जो प्रेम का आदान प्रदान है उसे परकीय कहा गया है, उसे परकीय कहा गया है।
भौतिक संसार में ये बहुत तुच्छ माना गया है, कोई लड़का लड़की चक्कर चल रहा है वो क्या है फालतू। और आध्यात्मिक लोक में पर कहते हैं यहाँ पर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड दिस टाइप ऑफ लविंग अफेयर इज कंसीडर्ड द सुप्रीम एंजॉयमेंट, इसे परम आनंद कहा गया है। इसे परकीय रस को, परकीय रस को परमानंद कहा गया है। तो हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें इस तक केवल भौतिक संसार का एक्सपीरियंस है ना। तो आध्यात्मिक सुख क्या होता है, भगवान और भक्तों के बीच में क्या प्रेम का आदान प्रदान होता है, ये तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए कविराज गोस्वामी आगे लिखते हैं, सूक्ष्म श्वेता बालू पठे पुलिनी रसम दुई देखे तोटा सब ये ना वृंदावन। तो सूक्ष्म, सूक्ष्म है क्या, बहुत डेलिकेट, सूक्ष्म श्वेत बालू, जो समुद्र तट पर जो बालू था कैसा था, बड़ा सुकोमल था और श्वेत था। सूक्ष्म श्वेत बालू पठे पुलिने रसम, तो रास्ते पर पूरा क्या था, ये बालू थी। दुई दिखे तोटा सब एना वृंदावन, द फाइन व्हाइट सैंड स्प्रेड ऑल ओवर द पाथ रिजेंबल द बैंक ऑफ जमुना, मानो जमुना नदी का तट हो। और फिर दुई दिखे तोटा सब एना वृंदावन, और दोनों रास्ते पर क्या था, केवल बाग ही बाग थे। तो उसे देखकर महाप्रभु को लगता, हाँ वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन का मूड महाप्रभु को आ रहा था। और फिर रते छड़ी जगन्नाथ करीला गमन दुई पर्श देखी चले आनंद मन, आनंद मन। तो जब जगन्नाथ जी भगवान के उस सुंदर रूप को एक चुट होकर देख रहे थे, तो उसका मन जो है, उनका मन पूरी तरह आनंद से भर गया था। His mind was filled with pleasure. और फिर जो भगवान के रथ खींचते हैं उन्हें कहते हैं गौड़ा, एंड दे पुल विद ग्रेट प्लेजर, हाउएवर द कार समटाइम्स वेरी फास्ट एंड समटाइम्स वेरी स्लो। जब रथ खींचते थे तो कभी कभार रथ बहुत फास्ट चलता है, और कभी कभार हजारों सैकड़ों लोग भी आ जाओ रथ हिलता नहीं है। क्षण स्थिर हो या छे ताली है ना चले, तानी ले है ना चले, ईश्वर इच्छा चले सचले कर भले। नहीं नहीं, तो कभी की रथ यात्रा में रथ चला नहीं करता था, आगे पीछे बढ़ नहीं मरता, कितने भले कितने ही जोर से खींचा जाए, पर रथ देर फॉर मूड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड नॉट बाय द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। रथ जो है भगवान के अपने इच्छा के साथ चल रहा था, ना ही किसी की लोग के खींचने से। तबे महाप्रभु सब भक्तगण लैया स्वहस्ते पराइला सब माल्या चंदन। तब महाप्रभु के कॉमन था, महाप्रभु हर समय क्या कर रहे हैं, भक्तों के गले में माला पिना रहे और जो है सबको चंदन लगा रहे अपने हाथों से, अपने हाथों से सभी को चंदन, अपने हाथों से सभी को पुष्पमाला। परमानंद पूरी आर भारती ब्रह्मानंद श्रीहस्ते चंदन पाइया बड़ीला आनंद। और चैतन्य महाप्रभु सबको पुष्पमाला और चंदन लगा रहे थे, पर उनको लगाने वाला कौन है, तो तभी उस समय परमानंद पूरी आर भारती ब्रह्मानंद, तो ब्रह्मानंद भारती और परमानंद पूरी ये दोनों आकर क्या किया उन्होंने, श्रीहस्ते चंदन पाइया बड़ीला आनंद। और चैतन्य महाप्रभु के हाथ से जब उनको भी चंदन और पुष्पमाला मिली तो उनके आनंद भी बहुत बढ़ गया। कहते हैं श्रीहस्ते चंदन पाइया बड़ीला आनंद, उनका आनंद भी बहुत बढ़ गया। अद्वैताचार्य आर प्रभु नित्यानंद श्रीहस्त स्पर्श दुहार खोईला आनंद। तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु को जब चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से स्पर्श किया तो उनको भी बहुत आनंद लगा। कीर्तनिया गणे दिला माले चंदन स्वरूप श्रीवास यहाँ मुख्य दुई जन। और जब कीर्तन स्टार्ट होने वाला था तब महाप्रभु क्या किए, कीर्तन गण
गणे दिला माल्य चंदन, वहां पर जाकर सबको चंदन लगा दिए, सबको जाकर माला पिना दिए। कीर्तनिया गणे दिला माल्य चंदन स्वरूप श्रीवास यहाँ मुख्य द्विजन। इस ग्रुप में कौन कौन थे मुख्य लोग? स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्रीवास। चारी संप्रदाय होइला 26 गायन दुई दुई मृदंग होइला अष्ट जन। तो एक पार्टी में 6 लोग गाने वाले थे, इसलिए 4 पार्टी में कितने लोग आए? 24 लोग केवल गाने वाले थे। हर एक पार्टी में 2 मृदंग था, मेकिंग एडिशनल 8 पर्सन। हर एक पार्टी में 2 मृदंग, टोटल कितने हुए? 8 मृदंग और 26 नहीं, 24 कीर्तन, 24 कीर्तनिया और 8 मृदंग हर एक पार्टी में। हर एक पार्टी में 2 मृदंग और 6 कीर्तनिया, कुल मिलाकर 24 कीर्तनिया और 8 मृदंग चाहिए थे। तबे महाप्रभु माने विचार करिया चारी संप्रदाय दिल गायन भाटिया। तब जो है चैतन्य महाप्रभु ने एक आइडिया की, बहुत सोच समझ के बाद उन्होंने क्या किया? तबे महाप्रभु माने विचार करिया, महाप्रभु ने उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया? चारी संप्रदाय दिला गायन बाटिया, तो 4 संप्रदाय में जो गाने वाले लोग हैं उनको बांट दो। तो 8 लोग एक ही जगह पर थे, अब क्या कहा कि नहीं 8 लोग एक जगह पर रहेंगे तो अच्छा नहीं है, क्या करो उनको बचे हुए 3 में भेज दो, है ना। तबे महाप्रभु माने विचार करिया चारी संप्रदाय दिला गायन बाटिया, गाने वालों को कीर्तनिया को उन्होंने बांट दिया। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वर चारी जने आज्ञा दिला नित्य करी बारे। नित्यानंद अद्वैत हरिदास वक्रेश्वरे, कौन कौन? वक्रेश्वर। चारी जने आज्ञा दिला नित्य करी बारे, सब चेतन महाप्रभु ने चारों को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? डांस, नाचो। तो नित्यानंद प्रभु एक ग्रुप में थे, अद्वैत आचार्य ग्रुप में, हरिदास और वक्रेश्वर अलग अलग ग्रुप में, तो सब लोग कौन थे? नाचने वाले थे, तो सभी लोग नाच रहे थे, है ना। प्रथम संप्रदाय कहिला स्वरूप प्रधान आर पंच जन दिला। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रथम संप्रदाय कहिला स्वरूप प्रधान, सबसे पहले संप्रदाय में महाप्रभु क्या किया? स्वरूप दामोदर को प्रधान लीडर बना दिया। आर पंच जन दिला तहर पालीगण, तो उनके कीर्तन को रिस्पॉन्ड करने के लिए, वो गाते हैं तो रिस्पॉन्ड करने के लिए उनको 5 लोग और दे दिए। सोचो, दामोदर नारायण दत्त गोविंद राघव पंडित आर, राघव पंडित आर श्री गोविंद आनंद। तो द 5 हु रिस्पॉन्डेड टू द सिंगिंग ऑफ स्वरूप दामोदर, कौन थे 5 लोग? स्वरूप दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद भट्ट, राघव पंडित और श्री गोविंद आनंद। ये सभी सभी लोग जो है ये जो गा रहे थे तो पीछे से प्लेबैक सिंगर्स या असिस्टेंट कोरस, ये सब लोग कोरस में थे। कौन कौन? दामोदर, नारायण, श्री राम दत्त, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंद आनंद, ये सभी लोग जो थे इसमें थे, कोरस में थे। और फिर अद्वैतेर नित्य करिवारे आज्ञा दिला श्रीवास प्रधान आर संप्रदाय कैला। तो अद्वैताचार्य को महाप्रभु ने क्या ऑर्डर दिया? अद्वैताचार्य प्रभु वॉज ऑर्डर टू डांस इन द फर्स्ट ग्रुप, therefore the lord then performed another group with Srivas Thakur as chief man. To wahan par bhagwan ne kya kiya? Advaita Acharya ko bhej diya ki jao aap first group mein nritya karo, yahan par nahi, pehle group mein aakar aap nritya karo aur fir yahan par dusra group banaye. Us group ke leader kaun hai? Srivas Thakur. Pehle group ke leader Nityanand Prabhu.
सॉरी पहले ग्रुप लीडर थे स्वरूप दामोदर। स्वरूप दामोदर के साथ में पांच हेल्पर लोग कौन कौन, दामोदर नारायण, दत्त गोविंद, राघव पंडित आर, श्री गोविंद आनंद। ये पांच लोग जो थे स्वरूप दामोदर के साथ में कोरस में थे। और फिर अद्वित आचार्य को आज्ञा दिया कि आप जाकर पहले ग्रुप में नाचो। तो पहले ग्रुप के सिंगर स्वरूप दामोदर, पहले ग्रुप के डांसर अद्वित आचार्य, और पहले ग्रुप के कोरस कौन है, नित्यानंद, सॉरी नित्यानंद नहीं, दामोदर नारायण गोविंद भट्ट सॉरी गोविंद दत्त और राघव पंडित और कौन, राघव पंडित और गोविंद आनंद, श्री गोविंद आनंद, इस भक्तों का नाम है। ये जो कोरस में थे ये पहला ग्रुप हुआ। फिर दूसरे ग्रुप में लीडर कौन थे, श्रीवास ठाकुर। पहले में स्वरूप दामोदर, दूसरे में श्रीवास ठाकुर। गंगादास, हरिदास, श्रीमान श्रीमान शुभानंद, श्रीनाम पंडित, श्री राम पंडित ताहा नाचे नित्यानंद। और फिर फाइव सिंगर्स शिवा ठाकुर साथ में पांच कोरस में कौन थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित ताहा नाचे नित्यानंद। तो वहां पर कौन कौन है श्रीवास ठाकुर के संग में, गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद, श्री राम पंडित, श्री नित्यानंद प्रभु ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ डांसर। तो कितने, छह डांसर लोग। उसके बाद और एक ग्रुप बनाया गया जिसके लीडर थे वासुदेव, गोपीनाथ एंड मुरारी। ऑल दिस रिस्पॉन्ड, ऑल दिस थ्री वर रिस्पॉन्सिव सिंगर्स एंड मुकुंद वॉज अ चीफ सिंगर। तो इनमें मेन सिंगर कौन थे, मुकुंदा। तीसरे ग्रुप में, तीसरे ग्रुप के मेन सिंगर है मुकुंदा और उनके साथ में वासुदेव, गोपीनाथ और मुरारी, ये तीसरा ग्रुप। फिर बाद में कोरस में कौन है, वहां पर कोरस में है श्रीकांत, वल्लभ सेन, आरद्वी जैन, हरिदास ठाकुर तथा करेन नर्तन। तो अब डांसर कौन है, लीड डांसर हरिदास ठाकुर, और लीड सिंगर है यहाँ पर श्रीवास ठाकुर, और उनके असिस्टेंट कौन है, श्रीकांत वल्लभ सेन, श्रीकांत और वल्लभ सेना, ये दो है उस ग्रुप में कोरस में थे। गोविंद घोष प्रदाय कैला, आर संप्रदाय, हरिदास विष्णुदास, राघव यहा गाय। तो भगवान ने और एक ग्रुप बनाया, द लॉर्ड फॉर्म अनदर ग्रुप अपॉइंटिंग गोविंद घोष एज लीडर। तो वहां पर गोविंद घोष को चित्र अपने लीडर बनाया। और फिर उस ग्रुप में हरिदास, विष्णुदास और राघव और रिस्पॉन्डिंग सिंगर्स। ये सब जो टेक्निकल है सुनने में, ये पेपर में लिख कर रखेंगे तो याद रहता है, एक बार में याद नहीं आएगा कि कौन से ग्रुप के लीड सिंगर कौन थे, किधर असिस्टेंट लोग थे, कौन लीड डांसर थे। तो हर एक ग्रुप में एक लीड सिंगर, फिर कोरस और फिर लीड डांसर, ये तीन लोग मेन है। फिर बाकी हर एक ग्रुप में जो है आठ मृदंग, चौबीस ना छः मृदंग, छः मृदंग एक ग्रुप में, और करताल बजाने वाले, ये सब फिक्स थे। हर एक ग्रुप में छः मृदंग, 6 × 24 है ना, बराबर 24। और फिर माधव वासुदेव घोष द्वि सहोदर नित्य करे न तहा पंडित वक्रेश्वर। तो पंडित वक्रेश्वर पंडित ये चौथे ग्रुप के डांसर थे। उनके संग में कौन है, माधव वासुदेव घोष द्वि सुधर सहोदर। उनको जब नाचेंगे बगल पकड़ने के लिए कौन थे उनके हेल्पर, माधव और वासुदेव घोष। फिर कुलीना ग्रामेरा एका कीर्तनीय समाज ताहा नित्य करेना रामानंद सत्यराज। तो कुलीना ग्राम से जो है, कुलीना ग्राम से एक संकीर्तन पार्टी आया हुआ था जिसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे, रामानंद और सत्यराज। उनको डांसर ग्रुप में भगवान ने नियुक्त किया, उधर नाचो एक ग्रुप में। तो महाप्रभु का प्लानिंग देखो कि ग्रुप बनाकर नचवा रहे और एक एक ग्रुप में सब कुछ देकर रखे ताकि क्लैश नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो। तभी कीर्तन देखेंगे 10 मिनट वाले कॉम्पिट करते, मैं बजाऊंगा
गाने वाला ही गाता है, कोरस वाला गाता है? नहीं, ये बहुत जरूरी है कि लीड सिंगर कौन है, लीड डांसर कौन है, लीड सेवक कौन है, उसके हिसाब से असिस्टेंट दिया जाता था। अगर ये लीड डांसर है तो इनके साथ में ये होना चाहिए, अगर ये मेन सिंगर है तो इनके साथ में कोरस में होना चाहिए। तो महाप्रभु की तो परफेक्ट प्लानिंग सब, क्यों? ताकि आपस में पंगा मत हो, झगड़ा ले मैं नहीं बजाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है ये पूरा प्लानिंग के साथ चल रहा है। और फिर और एक पार्टी थी जो शांतिपुर से आई थी, है ना, और उस पार्टी को किसे बनाया था? अद्वैत आचार्य ने बनाया था। और उसमें अद्वैत अच्युतानंद के सॉरी अद्वैत आचार्य के बेटे अच्युतानंद वो लीड डांसर थे, और उनके साथ में दो और भी गायक लोग भी थे। और फिर और एक पार्टी बनी, खंडेरा सांप्रदाय करे अन्यत्र कीर्तन नर हरि नाचे तहा श्री रघुनंदन, है कि नहीं? उस पार्टी में कौन नाचते थे? श्रीखंड की पार्टी में नरहरि सरकार और रघुनंदन, ये दो लोग नाच रहे थे ग्रुप में, उनके गांव के ग्रुप में। गांव कौन सा था? श्रीखंड। सो फोर पार्टीज चैंटेड एंड डांस इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, एंड ऑन आइदर साइड वॉज अनदर पार्टी, एंड येट अनदर वॉज द रेयर। मतलब कितने पार्टी बना टोटल? चार सामने पीछे एक, और जगन्नाथ जी के अगल बगल में के, तो चार दो छः सात, सात कीर्तन पार्टी चैतन्य महाप्रभु बनाई थी। सात संप्रदाय भजे चौदह मंडल यार ध्वनि सुनि वैष्णवा होइला पागल। तो जब सात कीर्तन पार्टी कीर्तन कर रहे थे, जब सात कीर्तन सॉरी क्या गया शत संप्रदाय भजे चौदह मादल यानी ड्रम्स, चौदह यानी 14। सो देर वर ऑल टूगेदर सेवन पार्टीज ऑफ कीर्तना एंड इन ईच टू मैन वर बीटिंग ड्रम्स। तो कितना हुआ? सात पार्टी है और हर एक पार्टी में दो लोग ड्रम बजा रहे, कितने लोग हुआ? 7 × 2 = 14। तो टोटल 14 ड्रम बज रहे थे एक साथ में। ये मृदंग के अलावा है ढोल, बड़ा ढोल ढोम ढोम बज रहा था, और इसीलिए द साउंड वॉज टमल्टस एंड ऑल द डिवोटीज बिकेम मैड। आवाज इतना भयंकर था कीर्तन का कि सभी भक्त लोग जो है पागल सा हो गए। शत संप्रदाय भजे चौदह मादल आरध्वनि सुनि वैष्णवा होइला पागल। वो सुनते ही वैष्णव जो है पागल हो गए। वैष्णवे न मेघ घटाए होय बादल कीर्तन आनंदे सभा वर्षे नेत्र जल, है ना। तो मानो सभी वैष्णव का संग कैसे लग रहा था साथ में आकर? एक मेघों का समूह जैसे, बादलों का समूह लग रहा था। और सभी भक्त जो है भगवान के नाम से के गान से अपने आप को अलंकृत कर रहे थे, और जिसके चलते उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। क्योंकि आंखों से सारे वैष्णव की। त्रिभुवन भरी उठे कीर्तने र ध्वनि अन्य व्याधि र ध्वनि किंचु नाही सुनी। जब कीर्तन बज रहा था तो पूरे तीनों मंडलों में भूर भुवस्वः सभी जगह पर जो है पूरा आवाज, कीर्तन का आवाज पूरा ध्वनि पूरा भर गया था, उतना इंस्ट्रूमेंट जोर से बजा रहे थे। और क्या कह रहे हो बजाते हुए? शत थाई बोले प्रभु हरि हरि बोली, है ना। तो आप सबको बोल रहे हरि हरि बोलो, और फिर जय जगन्नाथ बोले हस्त युगल अतुली, और फिर दोनों हाथ जोड़ के बोल रहे कि जय जगन्नाथ बोलो। शत थाई बोले प्रभु हरि हरि बोली जय जगन्नाथ बोले ना हस्त जुई हस्त युग तुली। आरा एक शक्ति प्रभु करीला प्रकाश, भगवान ने क्या किया? और एक शक्ति प्रदर्शन किया। तो पहले तो सात ग्रुप बनाए, चार सामने दो अगल बगल में और एक पीछे, टोटल सात हुआ, सात गाएंगे। अब महाप्रभु क्या किया? और एक चमत्कार किया। क्या था चमत्कार? वो चमत्कार ऐसा था कि भगवान ने अपने आप को सभी ग्रुप में डाल दिया। तो सभी ग्रुप के लोग लग रहा था कि महाप्रभु केवल हमारे साथ में नाच रहे, हमारी ओर ही देख रहे। तो ये एक आश्चर्य चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर पूरी में दिखलाया।
कि पूरे कीर्तन पार्टी में सभी को लग रहा है कि महाप्रभु केवल हमारे पास ही है, ऐसा प्रकाश किया। सब एक है प्रभु आछे ना मोरा संप्रदाय, सभी को लग रहा है क्या 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 कह रहे हैं, सब एक है प्रभु आछे ना मोरा संप्रदाय, अन्यथा ही ना आए अमरा दयाए। तो सभी को लग रहा था कि चेतन महाप्रभु के हमारे ग्रुप में है, एंड इंडीड ही डज नॉट गो एनीवेयर एल्स, ही वाज बेस्टोइंग हिज मर्सी अपॉन अस, मतलब और कहीं नहीं जा रहे हमारे ग्रुप को छोड़कर, और रहकर क्या कर रहे हैं, सभी को पर दया कर रहे हैं। के हो लोकाय थे नारे प्रभु राचिंत्य शक्ति, अंतरंग भक्त जाने यार शुद्ध भक्ति। कहते हैं कि कविराज गोस्वामी कहते हैं कि सामान्य लोग प्रभु की इस अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ पाएंगे, कौन समझेंगे, अंतरंग भक्त जाने यावे शुद्ध भक्ति। तो भगवान के अंतरंग भक्त लोग हैं वही केवल इस भगवान की लीला को, शुद्ध लीला को समझ पाएंगे। कीर्तन देखिया जगन्नाथ हर्षिता, संकीर्तन देखी रता करिया स्थगिता। तो जगन्नाथ जी अब चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर इतना आनंदित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, महाप्रभु सॉरी जगन्नाथ पर आनंद लग रहा था, वाह वाह क्या नाच रहे क्या नाच रहे। तो उस आनंद में कभी कभी संकीर्तन देखे रत करिया स्थगिते, केवल संकीर्तन को देखने के लिए जगन्नाथ जी क्या करते थे, रथ को रोक दो, अपने से रोकते थे, क्योंकि रथ के ऊपर एक जगन्नाथ जी कृष्ण है और रथ के सामने कौन है, राधा रानी है। तो जगन्नाथ जी महाप्रभु को राधा रानी के रूप में देख रहे हैं, इसीलिए उनके उस संकीर्तन को देखने के लिए जगन्नाथ जी क्या करते थे, रथ को रोक देते थे। और जब जगन्नाथ जी रथ को रोकते थे तब किसी में दम नहीं था कि व्रत को चलाए। प्रताप रुद्रे रहोइला परम विस्मय, देखिते विश्वास राजा होइला प्रेममय। तो इस दृश्य को देखकर प्रताप रुद्र महाराज जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और ये कैसे हो सकता है, देखिते देखिता विश्वास राजा होइला प्रेममय। राजा ने पूरे विश्वास करते देखा, बोले नहीं नहीं ये तो महाप्रभु है, कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए उनको क्या हुआ, होइला प्रेममय, भगवान के प्रेम में परिवर्तित हो गए, भगवान के प्रेम में परिवर्तित हो गए। प्रताप रुद्रेर होइला परम विस्मय, देखिते विश्वास राजा होइला प्रेममय। काशी मिश्रा कहे राजा प्रभु र महिमा, काशी मिश्रा कहे तोमार भाग्य र नाही सीमा। तो जब when the king informed काशी मिश्रा the glories of the Lord, तो राजा ने जब देखा, राजा को दिख रहा है सब कि महाप्रभु कैसे सात ग्रुप में डिवाइड हो गए, तो इस बात को राजा ने क्या कि अपने सेक्रेटरी जो थे काशी मिश्रा उनको कहा, अरे देखो सब कैसे हो रहा है। तब काशी मिश्रा क्या कह रहे हैं, काशी मिश्रा कहे तोमार भाग्य रना ही सीमा, मेरे इंदा दुष्ट लो लेट ले, तुम्हारा भाग्य भाग्य कितनी बड़ी है, कितना विशाल है, उसकी सीमा को आप जान नहीं पा रहे। सार्वभौम संगे राजा करे था थारी, आरा कहे नहीं जने चैतन्य रा छुरी। तो राजा और सौरव भट्टाचार्य ये दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप को जानते थे, है ना, सारी गतिविधियों को जानते थे। बट नो वन एल्स कुड सी द ट्रिक्स ऑफ द लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु, पर कोई भी चैतन्य महाप्रभु के उस जादू को समझ नहीं पा रहा था, केवल वो व्यक्ति जिस पर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा बरसाई हो वही व्यक्ति इस विषय को समझ पा रहा था कि कैसे महाप्रभु जो है साधो ग्रुप में नृत्य कर रहे हैं। राजा रुच्छ सेवक सॉरी यारे तारा कृपा से जानी बारे पारे, यानी जिन पर भगवान कृपा हुई है वही जान पाएंगे, कृपा बिना ब्रह्मादि का जानी बारे नारे। यदि कृपा नहीं हुई, यदि कृपा नहीं हुई तो ब्रह्मदेव भी भगवान लीला को समझ नहीं पाएंगे। तो ये महाप्रभु की लीला है।
राजार तुच्छ सेवा देखी प्रभुर तुष्ट मन सहिता प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। तो आप कहते हैं कि महाराज प्रताप जी को ये दर्शन कैसे हुआ कि महाप्रभु अपने आपको सात रूप में विस्तारित किया सभी पर है, क्योंकि राजा तुच्छ सेवा देखी प्रभु तुष्ट मन। जब राजा को झाड़ू मारते हुए देखा, तुच्छ सेवा करते हुए देखा, तब महाप्रभु को बड़ा संतोष हुआ। सहिता प्रसादे सहिता प्रसादे पाइला रहस्य दर्शन। उस सेवा का फल क्या था? वो पवित्र दर्शन, स्पेशल दर्शन देखने को मिल रहा था। कौन सा दर्शन? भगवान अपने आप को चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने आप को विस्तारित किया था वो दर्शन। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, द मिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड्स एक्टिविटीज इज डिस्क्राइब्ड बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर। लॉर्ड जगन्नाथ वाज एस्टॉनिश्ड टू सी ट्रांसेंडेंटल डीलिंग्स एंड चैंटिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड ही पोज्ड हिज कार सॉरी एंड ही स्टॉप्ड हिज कार just to see the dancing. Lord Chaitanya Mahaprabhu then danced in such a mystical way that he pleased Lord Jagannath. The seer and the dancer were on the same supreme person, but the Lord being one and more at the same time was exhibiting variegatedness of his pastimes. This is the meaning behind the mysterious exhibition. So Bhagwan jo hai aisa jadoo kar rahe the ki apne sare उसे कहते हैं ना वैरायटी को प्रकट कर रहे थे। वो एक होने के बावजूद भी अपने आप को अलग अलग रूप में बांट रहे थे, भगवान विस्तारित कर रहे थे। साक्षात देह शक्ति परोक्षे केते दया के भूजीते परे चैतन्य चंद्र माया। कहते हैं साक्षात न दिया देखा परोक्ष दया, तो डायरेक्टली जब मिलने जा रहा हूं तो नहीं बोल रहे, पर इनडायरेक्टली जो है कृपा कर रहे हैं। अब भगवान की इस अंतरंग शक्ति को कौन समझ सकता है कि कभी वो कृपा करना चाहेंगे इस पर, इसे कोई समझ नहीं सकता। जी फिर उसके बाद सार्वभौम काशी मिश्रा दुई महाशय राजा रा प्रसाद देखी होइला विश में। तो राजा के साथ में कौन थे? सर्वम भट्टाचार्य और काशी मिश्रा। तो जब उन्होंने ये देखा, अरे राजा को सब दिख रहा है, क्या कहा? राजा रा प्रसाद देखी होइला विश में। तो राजा पर चैतन्य महाप्रभु कृपा को देखकर दोनों जो है आश्चर्यचकित हो गए। ए मत लीला प्रभु कोइला कटक क्षणे आपने गाये न नाचे न निज भक्त गणे। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक ये लीला कर रहे थे, वो अपने ही गा रहे थे, अपने ही सभी लोगों को नाचने के लिए प्रेरित कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू हिज नीड द लॉर्ड समटाइम्स एग्जीबिटेड वन फॉर्म एंड समटाइम्स मेनी। दिस वाज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय हिज इंटरनल पोटेंसी। भगवान के अंतरंग शक्ति से भगवान अपने आप को कभी कभी एक ही कर रहे थे, कभी कभी अपने आप को बहुत रूपों में विस्तारित कर रहे थे। लीला वेश प्रभुर नाई निज सनुधान इच्छा जानी इच्छा शक्ति करे समाधान। तो कविराज उस समय कहते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं को कौन समझ सकता है। इंडीड द पर्सनालिटी ऑफ गॉड फॉरगॉट हिमसेल्फ इन द कोर्स ऑफ दिस ट्रांसेंडेंट पास्ट टाइम बट बाय इंटरनल पोटेंसी लीला शक्ति नोइंग द इंटेंशंस ऑफ द लॉर्ड मेड ऑल अरेंजमेंट्स। कभी कभी भगवान जो है इंडीड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड फॉरगॉट हिमसेल्फ, भगवान अपने आप को ही भूल जा रहे थे इन लीलाओं में। भगवान जो है लीला करते करते अपने आप को ही भूल जा रहे थे, पर भगवान की अंतरंग शक्ति जो है भगवान की इच्छा को जानते हुए क्या कर रही थी? सब कुछ अरेंजमेंट कर रही थी। भगवान इच्छा कर रहे थे और भगवान की अंतरंग शक्ति क्या कर रही थी? सब आइटम्स को सेट कर रही थी। और इस प्रकार से प्रभाजित हैं पराक्ष शक्ति विश्रुते स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रिया च। जैसे पहले कृष्ण रासलीला में नृत्य कर रहे थे उसी प्रकार से जस्ट एज द लॉर्ड फॉर्मली परफॉर्म द रासलीला डांस एंड अदर पास्ट टाइम्स एट वृंदावन श्री चैतन्य महाप्रभु परफॉर्म अनकॉमन पास्ट टाइम्स मोमेंट आफ्टर मोमेंट। तो जैसे महाप्रभु जैसे कृष्ण
वृंदावन में रासलीला करते अपने आप को विस्तारित करके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर कुरुक्षेत्र के रणरंग ये क्या बन गया, रासलीला बन गया, रसस्थल बन गया। और वहां पर भी कृष्ण जो है अपने भक्तों के संग में क्षण क्षण अलग अलग लीलाएं कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो है कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के इस रथ यात्रा के समय नृत्य का वर्णन कर रहे हैं, और आगे बहुत कुछ है जिसका हम कल चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बड़े आतुरता से इस चैतन्य चरितामृत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।